जय हिंद दारोगा बंधुओं, टारगेट बिथालू ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अमरीश शुक्ल। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप सब UPSI की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कहा जा सकता है कि आप सब भावी दारोगा बंधु हैं, और मेरी टीम की और मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है और अग्रिम बधाई है कि आप सब दारोगा बने। आज छात्रों की मांग पर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं या उनको किसी एक विषय में दिक्कत होती है, और यही बात यहाँ भी लागू होती है कि हिंदी विषय में कुछ लोगों को व्यक्तिगत दिक्कतें हैं और वो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोचिंग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश। तो हमने एक निर्णय लिया कि हम एक ही वीडियो में पूरे कोर्स को डिस्क्राइब करें, पूरे कोर्स को पढ़ाएं। हाँ, जब एक ही वीडियो में हम पूरे कोर्स को पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि भाई वीडियो तो बड़ा हो ही जाएगा। तो दिल पर पत्थर रख के पढ़ना है 1-1.5 घंटे तक, और मेरा ये मानना है कि अगर ये एक वीडियो पूरा कोई शुरू से लेकर अंत तक देख लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी 50% तैयारी तो हो ही जाएगी, तैयारी 50% हो जाएगी। आप 100% क्यों नहीं कह रहे हैं? तो 100% नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है क्योंकि यह तैयारी बिना पढ़े पूरा कैसे हो सकती है? तो पूरा तो पढ़ना ही होगा, बहुत सारी चीजें हैं जो बाद में रटनी भी होंगी, लेकिन मैं अपनी कक्षा में ही सारी चीजों को रटाने का वादा करता हूं। और एक ही कक्षा आप पढ़ेंगे आज, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि कैसे कक्षा में याद किया जाता है। तो चलिए दारोगा बंधुओं, आप सब तो मेरे लिए दारोगा ही हैं, और भले ही मेरे गाड़ी का चालान काटें, लेकिन मैं आप सबको दरोगा बनाने के लिए तत्पर हूं। और एकदम बहुत ही दमदारी के साथ कहता हूं कि आपको 40 प्रश्न अगर आएगा पेपर में तो 40 में 40 दिखाने का वादा करता हूं, 40 में 40 प्रश्न सही करवाने का वादा करता हूं, और जितना पढ़ाऊंगा उसी में से 40 से 40 प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण कक्षा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम दिखाएंगे और एक एक चैप्टर पर आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद, चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो सबसे पहली बात हमारी है, ये इसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम आपके सामने जो रखा हुआ है, सबसे पहला हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये सबसे पहला चैप्टर आपके यहां है। अब इसमें से मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, शुरुआत में आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं जिनके जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आप प्रश्नों का जवाब चाहते हैं तो पूरा वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा। एक प्रश्न आपको पुराना देता हूं और 2-3 प्रश्न नए देता हूं। पुराना प्रश्न कौन सा है? पुराना प्रश्न यहां से पूछा गया था हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषा कौन सी है। जी हाँ, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब मैं दे दूंगा लेकिन वीडियो के अंत में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भाषा क्या है? तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरा प्रश्न हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से ही है। अभी एक नया राज्य गठित हुआ है, नया केंद्र शासित प्रदेश गठित हुआ है, वहां की भी भाषा आपसे पूछ सकता है, तो आप सबको जवाब देना होगा। जी हाँ, आप मेरा इशारा समझ गए हैं, मैं बात कर रहा था लद्दाख की। तो आपको बताना है कि लद्दाख राज्य जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, अभी नवनिर्मित प्रदेश है, कश्मीर से अलग हुआ है, वहां की भाषा कौन सी है? जब मैं भाषा की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है कि वहां बोलचाल की भाषा कौन सी है और राजभाषा कौन सी है। तो बोलचाल की भाषा और वहां की सेकेंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या उस राज्य के ऑफिशियल लैंग्वेज, उस राज्य की कामकाज की भाषा कौन सी है, ये जवाब आप सबको देना होगा। तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल गए। अब तीसरा प्रश्न भी नोट कर लीजिए, दमन और द्वीप। दमन और द्वीप का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं सुने होंगे। तो दमन और द्वीप की भाषा क्या है? देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों को ही वो ज्यादा टारगेट करता है। चंडीगढ़ की भाषा क्या है, दमन द्वीप की भाषा क्या है, पारादीप की भाषा क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर जो एक राजधानी है वहां की भाषा क्या है। तो ये सारे प्रश्न अपने जहन में रखिए और इनके उत्तर भी, और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पूरे वीडियो के अंत तक में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी का व्याकरण, मौलिक ज्ञान, ये पूरा पाठ्यक्रम आप सबके सामने है। पाठ्यक्रम तो आपने कई बार देखा होगा, पाठ्यक्रम तो आपने देख लिया निश्चित तौर पर, लेकिन आपको पढ़ाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, सबसे पहला चैप्टर। याद रखिएगा, केवल एक वीडियो में 40 में 40 दिलाने का वादा। हाँ, 40 में 40 अगर आप मेरे कहे अनुसार पढ़ते हैं, इस पूरे वीडियो को देखते हैं, तो 40 में 40 आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए मित्रों, बस शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके यहां जैसे है भारत की भाषाएं। भाषा क्या है? भाषा होती है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम। माध्यम मतलब साधन, साधन मतलब करणकारक, करणकारक मतलब क्या? जैसे आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है भाई? पैदल जाइए, साइकिल से जाइए, या हवाई जहाज या बस से, कहीं से भी जाइए। अगर मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो आपको जाने क्रिया, मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्रिया, जाने की क्रिया कर रहे हैं। तो जाने की क्रिया में आपको किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? हाँ, साइकिल की। अब साइकिल की सहायता से जा रहे हैं, तो साइकिल क्या है? साधन है। वैसे आप मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, और भाषा क्या है? एक साधन है, विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो यहां पर भारत की भाषाएं और हिंदी की बातचीत करनी है। लगातार छात्रों को मैं देखता हूं, कंफ्यूज रहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची की भाषाएं कौन कौन सी हैं, और उनसे पूछा जाता है हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं। दोनों प्रश्न उत्तर है मित्रों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी अनोखी बातें आपको बताऊंगा कि जो कि हिंदी से संबंधित है। जैसे हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है, हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। शॉर्टकट में लिखाऊंगा, पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि समय कम है और पढ़ाना ज्यादा है। तो हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। हिंदी शब्द का अर्थ क्या होता है? दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। हिंदी शब्द का अर्थ दुष्टों का संहार करने वाले लोगों की भाषा। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। और हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया। किसने किया? ईरान के निवासियों ने किया था। अब आपसे पूछा जाएगा हिंदी की भारत में स्थिति क्या है? तो हिंदी की भारत में स्थिति है, हिंदी भारत में राजभाषा है। हिंदी भारत में क्या है? राजभाषा है। न तो हिंदी भारत में राष्ट्रभाषा है, न ही हिंदी भारत में मातृभाषा है। प्रत्येक व्यक्ति की मातृभाषा अलग होती है। आपकी मम्मी ने आपको जिस भाषा में लोरी सुनाई होगी, मेरी मम्मी ने तो मुझे अवधी भाषा में लोरी सुनाई थी। लोरी जानते कि नहीं? लोरी भी साहित्य के अंतर्गत आता है। बच्चा प्राथमिक पाठशाला में छोटा जब रहता है, तो जिस भाषा में वह अपनी माता के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, उसको मदर टंग या मातृभाषा कहा जाता है। तो हमारे यहां भी लोरियां सुनाई गई हैं, लेकिन मैं इलाहाबाद में रहता हूं, इसलिए हमको मातृभाषा अवधि मिली। ठीक है, तो आपके यहां जो भी, मान लीजिए आप बनारस के रहने वाले, तो आपकी मातृभाषा भोजपुरी हो गई। आप बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाली हो गई। आप नागालैंड के रहने वाले हैं, तो आपकी मातृभाषा अंग्रेजी हो गई। इस प्रकार पूरे भारत की कोई भी एक मातृभाषा नहीं है। तो ठीक है, तो आपने ये जाना कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी की चर्चा की गई है, जिसमें 343 एक अ में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा और यहां की राजभाषा हिंदी होगी, और अंकों का रूप क्या होगा? रोमन होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। तो अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाएगा, साथ ही साथ जो यहां की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी।
राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालयी भाषा, मानक भाषा, राजभाषा, प्रतिष्ठित भाषा, टकसाली भाषा, ये सब एक ही भाषा के नाम है। ठीक, तो ये तो रहा हमारा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसी में और पूछा जाता है कि जो हमारी हिंदी है, सबसे पहले जानिए कि हिंदी लिखी कैसे जाती है। जिसके माथे पे बिंदी नहीं वो हिंदी नहीं। अब ये मानक हिंदी लिखा है, आप कहेंगे सर यह भी तो हिंदी सही लिखा है, तो शुद्ध दोनों लिखा है, लेकिन 24 कैरेट वाला अगर आपसे पूछेगा कि भैया मानक कौन सा है, संविधान के द्वारा किसको अंगीकृत किया गया है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत के संविधान में राजभाषा के तौर पर अंगीकृत होती है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1910 में सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब आप लोगों ने हिंदी की थोड़ी बहुत जानकारी रख ली, अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भारत के उच्च न्यायालयों की भाषा क्या है। तो भारत के उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी है? नहीं भैया, न तो उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिंदी है। तब क्या है? अंग्रेजी। बहुत दुख की बात है कि यहां के किसान अंग्रेजी में मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट, और अंग्रेजी में उनको निर्णय भी सुनाया जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है वह अंग्रेजी है, यहां पर हिंदी भाषा केवल और केवल उर्दू मिश्रित, जिसको हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। एक नई भाषा भी है हिंदुस्तानी भाषा, जो हिंदी और उर्दू के मेल से बनी है, उसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, जबाने हिंदी कहा जाता है। यह भाषा आपके सत्र न्यायालयों में लागू है। बामुलाजा इतने के तहत दफाए इतने के तहत सजाए मौत दी जाती है। यह भाषा कहां पर प्रयोग की जाती है? यह आपके सत्र न्यायालयों में भाषा प्रयोग की जाती है। तो आपके संसद की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। लेकिन अगर आप माननीय सभासद से या जो भी वहां के स्पीकर है उनसे अगर अनुमति मांग लें, तब आपको क्या होगा, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन संसद की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वह भी अंग्रेजी है। तो यह बहुत दुख की बात है। अब देखिए जो थर्ड डायमेंशनल लैंग्वेज है, त्रिभाषी सूत्र क्या है, कि भारत में तीन भाषाओं को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी भाषा के ऊपर अनिवार्यता है जबकि हिंदी भाषा के ऊपर अनिवार्यता नहीं है। तो चलिए अब थोड़ी सी और हम लोग बातचीत कर लेते हैं हिंदी भाषा से संबंधित जो बातचीत है। अब मित्रों, भावी दारोगा बंधुओं, सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि हिंदी में कुल बोलियों की संख्या कितनी है और हिंदी में कुल उपभाषाओं की संख्या कितनी है, अपभ्रंशों की संख्या कितनी है, किस अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है, यह हिंदी की बोलियों और भाषाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शॉर्टकट में आपको बताता हूं, इधर मैं लिख देता हूं अपभ्रंश, सौर सेनी अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके दादाजी, आपके बाबा जी किसी गांव में रहते थे और उनकी भाषा का विस्तार उन्हीं के नाम पर हो जाए और बाद में लोग जाने कि ये उस गांव की भाषा थी। इसी प्रकार एक दादा बाबा जी थे किसी के, उनका नाम था राजा सूरसेन। राजा सूरसेन के जनपद की भाषा इतनी प्रभावी थी कि वो बहुत दूर दूर तक फैल गई और उन के नाम पर ही एक अपभ्रंश का जन्म हो गया, सौर सेनी अपभ्रंश। अब आप पूछेंगे कि अपभ्रंश क्या है गुरुजी, हम अपभ्रंश तो जानते ही नहीं है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है पद दलित होना या गिर जाना। आपको दिखाते हैं, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत से जन्म होता है पाली का, पाली से जन्म होता है प्राकृत का, प्राकृत से जन्म होता है अपभ्रंश का, अपभ्रंश से जन्म होता है अवहट्ट का, अवहट्ट से जन्म होता है पुरानी हिंदी का, और पुरानी हिंदी से जन्म होता है मानक हिंदी का। और हम लोग किस युग में हैं, हम लोग संस्कृत से यात्रा करी और मानक हिंदी युग तक पहुंच गए हैं। अब यहां देखिए कि जो सौर सेनी अपभ्रंश है, ये भाग आप जो देख रहे हैं यहीं से आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का विकास कहां से हुआ है, तो आप कहेंगे कि हिंदी का विकास जो हुआ है वो
हाँ बताओ। हिंदी का विकास अपभ्रंश से और हिंदी का जन्म संस्कृत से। लगाना मजेदार भैया, जो अपभ्रंश है इससे विकास हुआ हिंदी का और संस्कृत से उसका जन्म हुआ है। अब यही पूछेगा आपसे कि किस भाषा किस बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं अब अपभ्रंश पर। जैसे कि हमारा सबसे पहला एक बोली वर्ग है पश्चिमी हिंदी। क्या है पश्चिमी? पश्चिमी जो है बोलियों का एक समूह है, एक उपवर्ग है। और आपको कैसे याद रहेगा कि किस अपभ्रंश से पश्चिमी का जन्म हुआ है, तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है, पब्लिक है जाके देखिएगा। सूर्य किधर उगता है? पूरब में। और सूर्य किधर सोता है? पश्चिम में। तो सौर सेनी, सूर्य सोता है किधर? पश्चिम में। तो देख लेते हैं, यहां हो गया सौर सेनी। तो सौर सेनी अपभ्रंश से किसका जन्म हो गया? पश्चिमी का। और पश्चिमी में कुल कितनी बोलियां होती हैं? तो ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, हमारा ये कोड है। ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज बुकले ने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज से हो गई ब्रज भाषा, बू से हो गई बुंदेली, का से कन्नौजी, हरियाणा से हरियाणवी, कौरव से कौरवी, दक्षिण से दक्षिणी। जी हाँ, ये जो कौरव लिखा हुआ है ये कौरवी भाषा है, इसी का नाम खड़ी बोली है और इसी का नाम हिंदी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप तुरंत बताएंगे कि हिंदी का जन्म सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी किस उपवर्ग से जन्मी है? तो पश्चिमी उपवर्ग से जन्मी है हमारी हिंदी। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि पूर्वी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप कहेंगे कि अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप कहेंगे कि ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक। अब पूछेगा आपसे कि अच्छा बताइए कि बिहारी हिंदी किस अपभ्रंश से जन्मी है, तो आप बताएंगे कि बिहार में एक 16 महाजनपद था जिसका नाम था मगध, और मगध की भाषा को ही एक अपभ्रंश बना दिया गया, अर्थात मागधी अपभ्रंश। क्या बना दिया गया? मागधी अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश से, मागधी से जन्म हुआ किसका? मागधी से जन्म हो गया पूर्वी हिंदी का। हुआ? नहीं। तो हमने तो अभी बताया था कि पूर्वी का जन्म अर्धमागधी से हुआ है, इसका मतलब ये गलत। तब सही क्या होगा? मागधी का जन्म, मागधी से जन्म हुआ किसका? बिहारी का। किसका जन्म हुआ? बिहारी का। और बिहारी में कुल कितनी बोलियां आती हैं? हाँ, तीन। एक के नाम पर पान बहुत प्रसिद्ध है, खई के मगही पान तुम्हारा। कहेंगे सर ये तो कोई गाना ही नहीं है। मगही पान बहुत प्रसिद्ध होता है। मगही एक भाषा भी है, एक भाषा का छोटा सा रूप है बोली के जैसे। तो बिहारी में सबसे पहले बोली आती है मगही, और एक बोली अपनी मिठास के लिए जानी जाती है, और उसी के नाम पर एक कवि का नामकरण हो गया, मैथिल कोकिल, अर्थात मैथिली भाषा, मगही मैथिली। और तीसरी बोली तो है भोजपुरी। भोजपुरी बोली बहुत अच्छी लगती है। वहां देखिए जैसे हम लोग कहते हैं एक दो, वहां कहीं दूगो, और एक किसी भी शब्द को कितना खींच के बोला जाता है, अरे पांडे जी दूगो दूगो लिया है, दूगो लइका। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, अरे दू गो लड़की आई गए हैं। तो हर एक शब्द को इतना खींच के बोला जाता है कि लगता है कि अगर भोजपुरी क्षेत्र वाले से लड़ाई करो तो वो उतना तेज आपको, मतलब लड़ाई झगड़े में गाली वाली नहीं दे पाएंगे, जितना अवधी बेल्ट वाला खूब आपको सुना देगा। तो अवधी वाला जो है वो कहेगा बसा, हाँ कोठवा पे घर है कि नहीं, बसा। तो बस, और अवधी वाला कहेगा बॉस, वो एक शब्द को और खींच के बोलता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें तो बिहारी के अंतर्गत तीन बोलियां जाती है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। भोजपुरी की विशेषता क्या है? भोजपुरी ईकार बहुला बोली है, हर शब्द में ई की मात्रा जोड़ दी जाती है। आप देखिए, कहेंगे
का मोहन अली 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 ई यहां पर ई जोड़ा गया, राधा गईली गईली, ठीक है अली गईली बोला जाता है। अब यहां पर तोहरा के नइखे समझ आवत है, हाँ मैं बहुत अच्छी भोजपुरी तो नहीं बोल पाता लेकिन पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा जान गया हूं, तो कहेंगे तोहरा के नइखे समझ आवत, तो नइखे जैसे कहते नहीं वहां पर नइखे प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर अली गईली लयका लयकी सब जगह ई की मात्रा, मतलब भोजपुरी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो ईकार बहुला बोली है। तो तीन बोलियां हम लोगों ने देख लिया कहां, भोजपुरी में। अब देखते हैं कि और कौन कौन सी बोली है। भोजपुरी के बाद हमारी बोली आ जाती है सौर सेनी अपभ्रंश में ही, सौर सेनी अपभ्रंश में ही एक बोली आ जाती है हमारी, जिसको हम कहते हैं क्या, राजस्थानी। सूर्य सबसे ज्यादा कहां प्रसन्न रहते हैं, कहां भैया, राजस्थान के ऊपर, क्योंकि खूब आग बरसाते हैं और भारत का सबसे बड़ा राजस्थान में ही क्या है, मरुस्थल है। तो राजस्थानी में कौन कौन सी बोली आती है, हम कहेंगे भैया एक ट्रिक है हमारी, अगर अच्छी लगे तो याद कर लो। कहें बताओ गुरुजी, हमने कहा याद कर लो, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। कहे अच्छा गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी और मेवा से मेवाती लेकर गए, कोई मतलब नहीं। तो मालवी मारवाड़ी मेवाती और जयपुर से जयपुरी, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, ठीक। तो ये हो गई हमारी चार बोलियां राजस्थानी की, जो कि सौर सेनी अपभ्रंश से उपजी हैं। अब बचता है आपका पहाड़ी, पहाड़ी में दो बोलियां आती हैं, दुगो बोली आवत है, मतलब भोजपुरी छोड़िए, दो बोलियां आती हैं कहां पहाड़ी में, एक गढ़वाली एक कुमावनी। तो गढ़वाली कुमावनी के सिवा एक तीसरी बोली प्रयोग के आधार पर आती है, जिसको नेपाली कहते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न आया कि अच्छा गुरु जी आप ये बताइए कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हुई, तो मैं कहूंगा हिंदी में कुल बोलियों की संख्या 18+1। अगर आपके यहाँ ऑप्शन में 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, तो आप 18 सही लगाएंगे। ऑप्शन में आपके यहाँ 17 और 19 आता है तो आप 17 लगाएंगे। ऑप्शन में केवल 19 रहता है तो आप केवल 19 लगाएंगे, क्योंकि ये इसी तरह का विवादात्मक प्रश्न है। कुल मिलाकर सबसे सही उत्तर होता है कि हिंदी में कुल बोलियों की संख्या बराबर 18 होती है, ठीक। चलिए तो ये हिंदी की बोलियां हो गई। अब इसी में पूछेगा कि आठवीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आठवीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या है 22। अब इसी में पूछ लेगा कि कौन नहीं है, जैसे भोजपुरी आपकी उसमें नहीं है, अंग्रेजी आपकी उसमें नहीं है। तो ये कुछ बोलियां ऐसी हैं, भाषाएं ऐसी हैं कि जो कि 22 में नहीं आती, तो उसको आपको याद रखना होगा, वहां से एक प्रश्न बनता है। फिर अब आपसे पूछेगा कि गुजराती का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, किसका, गुजराती का। तो गुजराती का जो जन्म हुआ है, गुजरात किधर पड़ता है, पश्चिम में, तो अर्थात पश्चिमी में हुआ होगा, और पश्चिमी का मतलब सूर्य किधर सोता है, सौर सेनी। तो सौर सेनी अपभ्रंश से जन्म हुआ पश्चिमी का, और पश्चिमी के अंतर्गत ही आ जाती है गुजराती। फिर आपसे पूछेगा तेलुगु, तेलुगु पूछ सकता है, ये तो दक्षिण की जो है, दक्षिण भारत की है। मान लीजिए इसी में अगर पूछ ले आपसे पूर्वी की कुछ बोलियों के विषय में, तो उसमें एक तो आपकी आ जाएगी उड़िया, उड़िया बांग्ला, ठीक है, उड़िया और बांग्ला का जन्म किससे हुआ है, तो आप बताएंगे कि इसका जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ है, किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, और ये पूर्वी भाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो ये इसका मामला रहा। अब जैसे पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर है मतलब अंडमान वो बार द्वीप समूह है, वहां कौन कौन सी बोली है, क्या बोली बोली जाती है, शायद ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम देखें तो हिंदी, बंगाली क्योंकि बंगाल के नजदीक है, और तीसरी जो है वो मलयालम, मलयालम
ये तीन बोलियां हैं, तीनों बोलियों का एक मिक्सअप रूप, कॉकटेल। कॉकटेल तो जानते होंगे, बहुत से लोग पिए भी होंगे। तो हिंदी, बंगाली और मलयालम का जो कॉकटेल है, क्रियोल भाषा, क्या नाम है, क्रियोल, क्रियोल भाषा वहां पर बोली जाती है। हिंदी, बांग्ला और मलयालम का कॉकटेल, मतलब क्रियोल भाषा वहां पर प्रयोग की जाती है। अब मैंने आपसे पूछा था की जो है दमनदीप की कौन सी भाषा है, तो दमनदीप के लिए चलिए देख लेते हैं। दमनदीप की जो हमारी भाषा है वो है मराठी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी। मराठी भी बोली जाती है, कोंकणी भी बोली जाती है, गुजराती भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, क्योंकि वो सबके समकक्ष है, सबके बॉर्डर पर है, तो इसलिए वहां की स्थिति ये हो जाती है। मैंने पूछा था लद्दाख की भाषा कौन सी है, नवनिर्मित प्रदेश है लद्दाख, तो लद्दाख में भोटी भाषा बोली जाती है। क्या है भोटी? कहेंगे गुरुजी कौन सी भाषा ही, तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो भोटी भाषा जो है ये कहाँ है, तिब्बती भाषा है। तिब्बती भाषा का ही एक रूप है जिसको हम भोटी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भोटी नाम से जानते हैं। यह तिब्बत की ही एक भाषा है। ठीक है, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और एक प्रश्न यहां और पूछा जा सकता है कि जो मराठी भाषा है वो किस अपभ्रंश से जन्मी हुई है, तो मराठी अपभ्रंश से ही उसका जन्म हुआ है, दक्षिणी बोलियों के अंतर्गत आती है। तो सारे चीजों को तो लगभग मैंने समेटने का प्रयास किया है इसमें। चलिए अब हम देखते हैं कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा है। हिंदी, और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के एकस। तो चलिए अब इसको निपटा लेते हैं, हिंदी वर्णमाला। आप लोग तैयार हैं? बोरिंग तो नहीं हो रही भाई? अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरु जी मजा नहीं आया ना, तो यार मैं कोई फिल्म थोड़ी दिखा रहा हूं कि मैं यहाँ पर कोई अभिनय कर रहा हूं। आप कहें वाह गुरु जी बहुत मजा लगा, एकदम आनंद आ गया। अब स्वाभाविक सी बात है भाई कि मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक हूं, तो एंटरटेनमेंट तो आपका नहीं कर सकता। हाँ मैं आपको यूपीएसआई जरूर बना सकता हूं अगर आप मेरे अनुसार पढ़ते हैं। अपने विषय में तो आपको मैं महारत दिला सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहिए कि सर अब मजा नहीं आया, तो मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी मजा देने वाली पुड़िया नहीं है। अब चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ही आवश्यक है, आपको आना ही आना चाहिए। वर्णमाला में हम दो स्तरों पर इसका विभाजन करते हैं, एक तो हम कर लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हम कर लेते हैं बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, इन दो आधारों पर वर्णमाला को बांटते हैं, और इसके बाद फिर इनका एक उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम विभाजन कर देते हैं, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी निपटाते हैं, देखते हैं क्या मामला बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। मान लीजिए मैं आपको एक मुक्का मारना चाहता हूं, एक ठूसा मारना चाहता हूं, तो क्या होगा? आप अंदर से एक मन करेगा कि उठाओ मारो मारो, जो होगा देख लेंगे। एक अंदर से जो भाव होता है उसको आभ्यंतर प्रयत्न, और जो आपका हाथ उठता है और आगे बढ़ता है ये बाह्य प्रयत्न। इसी प्रकार से किसी वर्ण का उच्चारण आपको अगर करना हो तो एक भाव अंदर से, एक भाव बाहर से। तो चलिए अंदर वाले भाव को देखते हैं, जो आभ्यंतर प्रयत्न है वर्णमाला के उच्चारण करने में। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि क से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से मा तक क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। फिर उसके बाद च से लेकर झ तक को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। झ और भ को मानक वर्ण कहते हैं, झ और भ को मानक वर्ण कहते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन आपको केवल इशारा दे रहा हूं कि इस स्तर पर आप पढ़ सकते हैं। तो झ और भ को मानक वर्ण कहते हैं, च से झ तक स्पर्श संघर्षी वर्ण कहते हैं। क ख ग ज फ, ये सब फारसी से आगत पांच व्यंजन हैं, फारसी भाषा से लिए गए पांच व्यंजन हैं। इनके नीचे लगा हुआ है नुक्ता, कहा जाता है नुक्ते के हेर फेर से, वाह 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 वाह, नुक्ते के हेर फेर से खुदा
जुदा हो जाता है। मतलब अगर उर्दू में कहीं खुदा लिखे रही हो उसमें से नुक्ता मिटा दीजिए तो जुदा हो जाएगा। इसी प्रकार से क ख ज फ इनके नीचे लगने से उच्चारण बदल जाता है। अमा मिया जाम लगा दिए जाम पीकर, तो जाम और जाम दोनों अलग है। जाम का मतलब होता है जो आप दारू पीते हैं, और वो जाम पीने के बाद जब आप सड़क पर जाम लगा देते हैं तो वो अलग जाम है। तो देखिए नुक्ते के हेर फेर से जाम जाम हो गया। ठीक, तो ये नुक्ता है, इनके लगने से उच्चारण बदल जाता है। जैसे बाजार बाजार, अफजल अफजल, उच्चारण में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने क ख ज फ को पांच भागों में बांट के रख दिया है, और ये क्या है, पांचों आगत व्यंजन है, मेहमान नवाजी करने के लिए हिंदी में आए हुए हैं, और इनका हमने शुक्रिया करते हुए स्वागत किया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें। अंगा इया अड़ न म को नासिक कहा जाता है। अंगा इया अड़ न और म को, इनको नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर व्यंजन कहा जाता है। अगर आप इनका उच्चारण करना चाहें तो नाक दबाकर नहीं कर सकते, आप बहुत बहादुर हो तो करके दिखाओ, करके दिखाओ, आपको हम कौन बनेगा करोड़पति की हार्ड सीट पर बैठा देंगे। करो, अंगा का उच्चारण करना अपनी नाक दबाकर नहीं कर सकते। तो मुख और नासिका, मुख नासिका वचनो अननुनासिका, ये संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने सूत्र दिया। इसका मतलब है कि अंगा को उच्चारण करने के लिए मुख और नासिका दोनों का प्रयोग करने पड़ेंगे, अगर एक ही का प्रयोग करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मुख नासिका वचनो अननुनासिका अर्थात अंग या अण न म का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, लेकिन इसको हम केवल नासिक के व्यंजन ही कहते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मां तक हम पहुंच गए थे। मां के बाद अगर देखें तो एक लाइन आती है ड और ढ की, ड और ढ की, ये दोनों वर्ण हमारे वर्णमाला में आते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ण हमारी वर्णमाला में नहीं आते हैं। इनको द्विगुण और क्या कहा जाता है, इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इनको नव विकसित व्यंजन कहा जाता है। नव विकसित द्विगुण व्यंजन, नव विकसित व्यंजन, और इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त, उत माने ऊपर जाते हैं, क्षिप्त माने नीचे गिर पड़ते हैं। कौन, जब आप ड का उच्चारण करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे फिर गिर पड़ेंगे? नहीं, आपकी जिह्वा ऊपर तरफ जाती है फिर नीचे चली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ड और ढ को क्या कहते हैं, उच्चित कहते हैं। इसको द्विगुण कहा जाता है क्योंकि इसका दो गुण है। इसको नवविकसित कहा जाता है क्योंकि इनका विकास अभी नया नया हुआ है। चलिए दिखाते हैं। जैसे आपने लिख दिया डमरू, तो डमरू के नीचे आप नहीं लगाए, आपने लिखा लड़की, ठीक है। यहां इसका ड का उच्चारण हो रहा है और यहां इसका ड का उच्चारण हो रहा है। उच्चारण में भिन्नता के कारण इनको द्विगुण कहा जाता है। अब नवविकसित इनको क्योंकि नया नया विकास हुआ है। ढा को देख लेते हैं, ढक्कन और आढ़त, ये देख लीजिए। अगर ये शब्द के मध्य में आते हैं तो इनके नीचे लगेगी बिंदी, अगर ये शब्द के मध्य में नहीं शुरू में आते हैं तब इनके बिंदी नीचे नहीं लगेगी। तो यहां पर इसको कहेंगे डा, यहां पर कहेंगे अड़ा, यहां पर कहेंगे ढा, यहां पर कहेंगे अढ़ा। तो ये होते हैं इनके उच्चारण में अंतर, इसलिए इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्लियर हो गया बंदों? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बुद्धिमान हो आप सब। चलिए, बोरिंग नहीं होना है, अब भाई होंगे ही तो हम क्या करेंगे, फिर भी कोर्स पूरा करना है भाई, समय बहुत कम है, कोर्स बहुत ज्यादा है। चलिए जागिए आप सब, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में द्विगुण व्यंजन के बाद क्या आता है, हमारा आता है य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है, अंतःध्वनिस्थ, और जो वायु बाहर निकलती है उसमें से थोड़ी सी बार फिर वापस लौट जाती है। तो या और वा को कहते हैं अर्धस्वर। हिंदी वर्णमाला में दो अर्धस्वर हैं, रा को कहते हैं प्रकंपित और ला को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। र को प्रकंपित और लुंठित कहते हैं क्योंकि र के उच्चारण में हमारी जिह्वा कंप नहीं प्रकंप करती है, और ल जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है क्योंकि यह जिह्वा के पार्श्व भाग पीछे भाग से उच्चारित होती है। तो ये हो गया य र ल व। फिर उसके बाद आता है आपका छ, सॉरी स, स, श,
ये तीनों सा हैं, इसको तालब्य सा, इसको मूर्धा सा, इसको दंत्य सा कहते हैं, और इसके बाद आपका आता है क्षत्रज्ञ। अब क्षत्रज्ञ, अब ये तीनों सा और ह को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस लिए? ऊष्म माने होता है गरम। इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा, हमारे प्राणवायु जो होती है, थोड़ी सी गर्म निकलती है, थोड़ी सी ऊष्म निकलती है, जिसके वजह से स स ष ह को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, और तीनों सा को ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जिह्वा और हमारी स्वर तंत्रियों को थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और ह को कहते हैं स्वर यंत्र मुखी, जहां से स्वरों का उच्चारण होता है, इसलिए वहां से ह का उच्चारण, तो इसलिए इसको स्वर यंत्र मुखी कहा जाता है। और छत्रंग्या और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, छत्रंग्या और स्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। और देख लेते हैं कि छ जो मिलकर बना है का और शा से, त्रा जो मिला है ता और रा से, ज्ञा जो मिला है ज और इया से, और श्रा जो बना है वो तालब्य शा और रा से। इसी के पहले वाले के नीचे हलंत तो होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका क्या, आभ्यंतर प्रत्न। और देख लेते हैं बाह्य प्रत्न। तो बाह्य प्रत्न क्या है? बाह्य प्रत्न का मतलब होता है कि इसके बाहर प्रत्न क्या हम करते हैं, तो हम उसको अघोष शघोष अल्पप्राण और महाप्राण में बांट देते हैं। अल्पप्राण महाप्राण में क्या कहते हैं कि भैया अगर अल्प प्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी सी प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, और जिसमें ज्यादा पड़े वो महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण और महाप्राण को हम लोग बांट लेते हैं। तो एक तीन, एक तीन पांच, एक तीन पांच य र ल व, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, और य र ल व इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, इसको हम अल्पप्राण में रखते हैं, और इसी में एक वर्ण और आ जाता है जिसको हम ळ कहते हैं। तो एक तीन पांच यर अलावा को हम किस में रखते हैं, इसको हम रखते हैं अल्पप्राण में, और महाप्राण में किसको किसको रखते हैं, तो दो और चार प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, और उसके बाद तीनों स, तीनों स और ह मतलब ऊष्म वर्णों को हम महाप्राण में रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका अल्प प्राण और महाप्राण, यहां से प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं अघोष और सघोष। तो जितने भी स्वर होते हैं सब अल्प प्राण होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं अल्प प्राण होते हैं, और जितने भी स्वर होते हैं वो सब सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष और अघोष का मतलब क्या हो गया कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न हो उनको हम इस श्रेणी में रखते हैं। चलिए देखते हैं किसमें झंकार उत्पन्न होती है, किसमें नहीं उत्पन्न होती है। तो अगर हम अघोष में देखें जिनमें झंकार उत्पन्न नहीं होती है, तो हमारे वर्ण एक दो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और तीनों शकार ऐसे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार नहीं होती है, जबकि तीन चार पांच प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और इसी में रख देंगे ड और ढ को, और य र ल व और ह को, इसको हम रख देते हैं सघोष व्यंजन में। तो सघोष ये हो गया और ये अघोष हो गया। इसमें स्वर तंत्रियों में झंकार नहीं होता, इसमें स्वर तंत्रियों में झंकार होता है। तो अघोष और सघोष के आधार पर भी इनका मैंने विभाजन कर दिया। अब आती है उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान तो बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसको शॉर्टकट में बता देता हूं। अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, अ और का वर्ग विसर्ग और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। इचू यशा नाम तालु, ई च वर्ग या और श तालब्य शा का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग री और मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसा नाम दंतः, तो री तो हिंदी में होती नहीं है। तावर का उच्चारण स्थान दंत है और दंतिशा का उच्चारण स्थान दंत्य है। उपूब मध्यमानिया नाम ओष्ठव, ऊ और पावर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब इसके बाद हम देखें तो संयुक्त उच्चारण स्थान भी कोई कई लोगों का होता है, जैसे ए ए ओ औ, तो ए ए का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ, कंठ तालु, और इसका हो जाता है कंठ ओष्ठ।
तो ये तो हो गया मित्रों आपका पूरा उच्चारण स्थान, यहां से भी प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला में स्वरों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, आपको बताना है कि विलुप्त स्वर कौन से हैं। विलुप्त स्वर हिंदी में, विलुप्त स्वर हिंदी में आगत स्वर, हिंदी में मूल दीर्घ स्वर हिंदी। अच्छा एक प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है 52, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 और हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों की संख्या 42। तो 11 और 13 44 होता है, 11 और 33 44। तो कुल वर्णों की संख्या 52, उच्चारण स्थान के आधार पर 44, स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। अयोगवाह दो होते हैं जिनको अंग और अह के नाम से जाना जाता है। मैं जितना भी बता रहा हूं उसमें से कोई भी कंटेंट, कोई भी तथ्य गलत नहीं है और आप सब इसकी जानकारी लेना चाहें तो राजभाषा आयोग में की RTI डालकर ये तथ्य ले सकते हैं। आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप गलती नहीं करें और मेरी सहायता से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत सुनहरा अवसर है। आप हमसे संपर्क करके हमारी कक्षाओं में प्रवेश ले सकते हैं और उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 7398035775, मतलब 7398 और उसके बाद 0 35 775 3 3 6 3 9 1 10 अंकों का मोबाइल नंबर। अब आप कहेंगे सर ये कौन से बहुत बड़े तीर मार दिए, सभी तो 10 नंबर के होते हैं। हाँ भाई, तो 7398035577 और लास्ट में है 5, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इसको मोबाइल में सेव करिए और एक काम करिए, चलिए अभी तुरंत उठाइए मोबाइल। अरे यार इतना देर बोल कर चिल्ला के पढ़ाया हूँ, इतना नहीं कर सकते आप। चलो उठाओ मोबाइल और टाइप करो UPSI एंट्री, बहुत अच्छा। चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं मित्रों, धन्यवाद आप लोग मैसेज किए। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ अपना रुख अख्तियार करते हैं और देखते हैं अगले चैप्टर की मुंह दिखाई। तो हिंदी वर्णमाला तो हो गई, तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये पढ़ना है। चलिए ऐसे इसको पाठ्यक्रम रहने देते हैं जिससे दिखाई देता रहे और यहां मैं पढ़ाता रहूं। आपको तद्भव और तत्सम बताना है। तद्भव तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम तत्धन सम मतलब उसके समान, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत भाषा से जिन भाषाओं का जन्म हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। देखिए सभी भाषाओं के तत्सम शब्द होते हैं, अंग्रेजी के भी तत्सम शब्द होंगे, हिंदी के तत्सम शब्द होंगे, उर्दू के तत्सम शब्द होंगे, मतलब वो अपनी जननी से जहां से उत्पन्न हुआ है उसकी हम जांच करते हैं। तो तद्भव और तत्सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनको हमने अपने अनुसार सरल कर लिया। जैसे किसी ने कहा दुग्ध, तो दुग्ध किसी ने कहा और हमने कहा भैया हम दुग्ध दुग्ध नहीं कह पाएंगे, हमको बहुत कठिन लगता है, हम तो दूध है कहेंगे, तो उन्होंने दुग्ध को क्या कहना चालू कर दिया? दूध चालू कर दिया। किसी ने कहा यार स्थाली, तो ये स्थाली कहे यार हमको कहने बहुत कठिन लगता है, स्थाली तो नहीं कहेंगे भाई, हम तो थाली कहेंगे, तो उन्होंने थाली कहना चालू कर दिया ना। फिर किसी ने कहा कि यार जो है हम तो जो है मूसकाह नहीं कह पाएंगे, हम मूसकाह नहीं कहेंगे, कहें का कहा भैया, कहे हम तो जो है मूस कहेंगे, तो लोगों ने इसको मूस कहना चालू कर दिया। मतलब ये हुआ किसी ने कहा हरिद्रा, कह यार हरिद्रा बहुत कठिन है भाई, हरिद्रा तो नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे? हल्दी कहेंगे। कहे समश्रु, कह समश्रु क्या है? कह यार हम समश्रु नहीं कहेंगे, हम तो मूछ कहेंगे। तो ये शब्द जो संस्कृत वाले हैं ये तत्सम, और उसको अपने अनुसार जब हमने सरल कर लिया उसको क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। ठीक है, दोनों शब्द शुद्ध हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये संस्कृत से लिया गया है और ये उसमें सुधार करके लिखा गया है। कैसे इनकी पहचान करेंगे? देख लीजिए अंग और अह का प्रयोग
जिसमें किया जाए लगभग, देखिए इसमें अपवाद भी हो सकता है लेकिन ये एक ट्रिक है, अपवाद इसमें हो सकता है। तो अंग और अह का प्रयोग जिस मात्रा में हुआ हो लगभग वो शब्द तत्सम होते हैं, री का प्रयोग जिसमें किया गया हो वो शब्द लगभग तत्सम होते हैं। अंग अह और री हो गया, और अंगा इया अड़ा, इनका प्रयोग जिस शब्द में किया हो गया हो वह भी तत्सम होते हैं। जिन शब्दों के अंत में हलंत लगा हो वो शब्द भी तत्सम होते हैं। जिन शब्दों के अंत में या जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञ और श्रा का प्रयोग किया गया हो वो सारे शब्द भी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो ये कुछ तत्सम की ट्रिक हैं और कुछ तद्भव जानने की भी ट्रिक हैं, तो एक ही वीडियो में सब नहीं बताया जा सकता है, तो हम लोग इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। तो ये तत्सम और तद्भव को जानने की कुछ पहचानने के नियम हो गए। अब इसमें लिखा हुआ है पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के एक स्थान पर एक शब्द। देखिए पर्यायवाची और विलोम, तो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ेगा, कितने विलोम बता दूं, तो इसलिए जो ये शब्दकोश वाले मैटर हैं इसको हम लोग अलग वीडियो में एक बना के देखेंगे, जिसमें हम लोग पर्यायवाची कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं आपको रटने हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में जा जाता है, जैसे जलज, जलज और जलद, तो जल को देने वाला पयोद, पयमन जल, जल को देने वाला, तो द अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे, बादल का पर्यायवाची हो गया। और जलज, ज का मतलब जल में उपजने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, पंकज, पंक माने होता है कीचड़, कीचड़ में उपजने वाला। अब्ज, अप माने होता है कीचड़ और ज माने उपजने वाला, तो ज आ जाएगा कहीं भी तो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, और द आ जाएगा तो देने के अर्थ में हो जाएगा बादल का पर्यायवाची। तो इसी प्रकार बहुत सारे ट्रिक है जो हम लोग एक वीडियो अलग से केवल शब्द रूप, मतलब जितने हमारा वर्ड पावर है, वोकैबुलरीज है, उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी समभिन्नार्थक शब्द, जैसे शब्द मिलते जुलते जैसे अंश और अंश, एक अंश और अंश, तो एक अंश का मतलब होता है कंधा और एक अंश का मतलब होता है भाग, जो लगभग लगभग देखने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, तो जैसे अंश और अंश। तो ये हो गए समरूपी समरूपी भिन्नार्थक शब्द। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कोई कह दे कि एक फूल की माला लाओ, एक फूल की माला लाओ, तो ये गलत हो गया। भैया एक फूल की माला कहाँ बनती है, कई फूल की माला बनती है। अगर कोई कह दे कि आगरा का पेठा पेठा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, पूछेगा किसमें शुद्ध करिए, तो आगरा का पेठा नहीं होता है, तब कहां का होता है, आगरे का पेठा, क्या यहां सही होगा, आगरे का पेठा। अगर कोई कहे कि कलकत्ता का गुलाब जामुन तो गुरुजी हमको बहुत मजा देता है, तो हम कहेंगे कलकत्ता नहीं होता बेटा, कलकत्ते होता है, कलकत्ते का गुलाब जामुन सही होगा, कलकत्ते का गुलाब जामुन। तो कलकत्ते और आगरे, इसी तरह से बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं जो आप गलत कर देते हैं बोलने लिखने में, वाक्यों को शुद्ध करके लिखने में। तो यह भी बहुत ही आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो वाक्य में आपको ध्यान में रखना है। जैसे लोग कह देते हैं कि दही खट्टी है, तो मैं कहूंगा कि दही खट्टी है गलत वाक्य है। आप कहेंगे काहे गुरुजी, हमने कहा दही खट्टी हो भी नहीं करती है, कहें कहा दही मीठ होती है, कहा आप ही बताइए ना, तो हम कहेंगे दही खट्टी होती है, नहीं दही खट्टा होता है, क्योंकि जितनी भी द्रव्यवाचक वस्तुएं होती हैं वो सब पुल्लिंग होती हैं, तो दही भी पुल्लिंग है और दही में खट्टी न होकर क्या हो जाएगा, दही खट्टा है, दही खट्टा होता है। तो इस प्रकार से आपको लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सबका ज्ञान रहेगा, पूरे व्याकरण का ज्ञान रहेगा, तब वाक्यों को आप शुद्ध और अशुद्ध करके निरछीर विवेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। देखिए अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण खंड है, हाँ लिंग,
सबसे महत्वपूर्ण खंड है, जो आपका लिंग होता है उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। हमारे संसार में केवल दो प्रकार की जातियां हैं कि एक स्त्री दूसरी पुरुष। हमने अगर इनको बांटा तो दो भाग में बांट दिया, एक को हमने कहा प्राणीवाचक और दूसरे को कहा हमने अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों में लिंग परिवर्तन हो जाता है, अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगर शब्द सदैव स्त्रीलिंग है और उसका पुरलिंग बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे? अगर सदैव स्त्रीलिंग है तो नर लगाएंगे और सदैव पुरलिंग है तो मादा शब्द लगाकर उनमें हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर निर्जीव वस्तु है तो उसमें लिंग परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम देखें कौवा, कौवा का स्त्रीलिंग कौवी नहीं होता, कोयल नहीं होता। कौवा सदैव पुरलिंग शब्द है तो उसको हम कैसे बनाएंगे? मादा कौवा। चीता, चीता शब्द क्या है? सदैव पुरलिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग क्या बनाएंगे? मादा चीता। कोयल, कोयल क्या है? सदैव स्त्रीलिंग शब्द है तो कोयल का पुरलिंग क्या बनाएंगे? नर कोयल। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान आपको करनी होती है और प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। जैसे कहेंगे कुर्सी, तो कुर्सी जो है वो क्या है? जिसमें जान नहीं होती है, इसलिए स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही रहेगी, इसमें पुल्लिंग नहीं होगा, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होगा। तालाब, तालाब का लिंग परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो निर्जीव है। तो सजीव और निर्जीव के आधार पर इस तरह से इसमें हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि सरकार में कौन सा लिंग है, तो सरकार स्त्रीलिंग है, सरकार आती है, सरकार जाती है। मोती, मणिक में कौन सा लिंग है, तो जितनी भी हमारे ये पत्थर होते हैं जिनको आप रत्न कहते हैं सभी रत्न पुल्लिंग होते हैं। सभी द्रव्यवाचक धातुएं जो होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं। पाप का सोना भी हो गया, लेकिन चांदी इसका अपवाद है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम स्याही को छोड़ दें, मदिरा को छोड़ दें और छाछ को छोड़ दें, तीन को छोड़ दें, तो जितने भी पेय पदार्थ हैं सब पुल्लिंग होते हैं। तो चाय भी पुल्लिंग है, कॉफी भी पुल्लिंग है, और आपका दही, मट्ठा, दूध, पानी, ये सब क्या है? ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। अब मित्रों, इसी तरीके से जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जय और विजय स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो जय और विजय दोनों शब्द स्त्रीलिंग हुए, जय होती है और विजय होती है। आपके यहाँ घर में बच्चा पैदा हुआ, आपने नाम रख दिया, अरे इसका नाम तो विजय है, तो विजय भैया मत रखना, विजय लड़की का नाम है, विजय होती है, विजय स्त्रीलिंग शब्द है। सरकार आती है, सरकार जाती है, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कांग्रेस भी स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप दूसरा इशारा मत करिएगा, कांग्रेस शब्द भी स्त्रीलिंग है क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है, कांग्रेस लोगों का समूह के लिए कहा जाता है। जनता आती है, जनता जाती है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैं इतना मजेदार ढंग से आपको याद करा दूंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी गलतियां आपसे नहीं होंगी। जितनी भी नदियों के नाम होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ नदियों को छोड़कर कुछ नदियां नहीं, वो नद है। जैसे ब्रह्मपुत्र, सोणी और सिंधु, ये नद है, नदी नहीं है। जितने पहाड़ों के नाम होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। जितने भी ग्रहों के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में पृथ्वी ग्रह है। जितने पेड़ होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ जैसे तुलसी इत्यादि कुछ पेड़ है जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो बनिया के दुकान पे, पारचून के दुकान पे जो चीजें मिलती हैं स्त्रीलिंग होती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें पुल्लिंग भी होती हैं। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को एकदम ट्रिकी माइंड से एकदम अच्छे से आपको बता सकता हूं, और कभी भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपसे भूलेगा नहीं। तो आपको कम से कम ये समझना है कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हो सकते हैं और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि गैस, गैस स्त्रीलिंग है कि गैस पुल्लिंग है, तो आप क्या कहेंगे? कि गैस पुल्लिंग शब्द है, गैस स्त्रीलिंग नहीं है। गैस निकलता है, गैस खत्म होता है, गैस खत्म होती, गैस निकलती है, ये गलत वाक्य है। तो इसी तरीके के बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं जो नोट्स के रूप में है, आपको मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। कुछ शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कौन? प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या है?
प्रोफेसर नपुंसक लिंग में है, जैसे डॉक्टर शब्द हो गया, डॉक्टर शब्द भी नपुंसक लिंग में होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भी नपुंसक लिंग में होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री शब्द भी क्या होता है, नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। पुरुष आ गया तो पुरुष, महिला आ गया तो महिला। अब प्रधान राष्ट्रपति का राष्ट्रपत्नी नहीं होगा, उसी प्रकार से डॉक्टर प्रोफेसर और प्रधानमंत्री इत्यादि शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो नपुंसक लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो बाकी विस्तृत अभी बातचीत इतनी ही की जा सकती है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वचन है। तो देखिए वचन की पहचान मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शब्द का जो एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है, दो रूपों में बनाया जा सकता है। एक को हम कहते हैं क्या, एक को कहते हैं साधारण बहुवचन, एक को कहते हैं हम तिर्यक बहुवचन। एक को कहते हैं साधारण बहुवचन और दूसरे को हम कहते हैं तिर्यक बहुवचन। साधारण बहुवचन ही आपके यहाँ पाठ्यक्रम में है, पूछा जाता है, और तिर्यक बहुवचन जो है आपके पाठ्यक्रम में नहीं है और नहीं पूछा जाता है। मैं आपको संज्ञा के आधार पर बता देता हूँ कि किन किन संज्ञाओं का बहुवचन बनता है। सबसे पहली आपकी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसी बहाने संज्ञा भी पढ़ लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसका एक वचन से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेला है तो उसका बहुवचन कैसे बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का भी बहुवचन बनाया जा सकता है, और लेकिन कुछ शब्दों का जातिवाचक में भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा, किसी प्रेमी की किसी प्रेमिका ने कहा कि प्रिये अगर तुम मुझे बहुवचन में प्रेम दो, प्रिये यदि तुम मुझे बहुवचन में प्रेम दो तो मैं आजीवन तुम पर वार जाऊंगी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि प्रिये लेकिन मेरे पिताजी बहुवचन में क्रोध करते हैं, नहीं तो मैं तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। इस वाक्य में अशुद्धियां हैं, प्रेम बहुवचन में नहीं होता है, न क्रोध बहुवचन में किया जाता है, क्योंकि दोनों भाव हैं और भाव जो होते हैं उनका बहुवचन नहीं होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सब की सब क्या होते हैं, उनका बहुवचन नहीं होता। पानी का बहुवचन नहीं होगा। अब जैसे आपके घर में पूजा सुनाने कोई आता है तो क्या कहता है, द्रव्यम अभावे पुष्पम समर्प्यामि। उन्होंने कहा कि अगर द्रव्य खत्म हो गया है, पैसा खत्म हो गया है, तो उसके स्थान पर फूल चढ़ाते चलिए। मतलब द्रव्य भी क्या है, वह द्रव्यवाचक है, और चावल भी क्या है, कह द्रव्यम अभावे अक्षतम समर्प्यामि। मतलब द्रव्य के स्थान पर उन्होंने चावल चढ़ाने के लिए कहा। तो चावल और जो द्रव्य मतलब मुद्रा पैसा है, दोनों एक समान है, दोनों द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आते हैं, अर्थात उसका भी बहुवचन नहीं बनता है। अब इसके बाद आता है आपका समूह या समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक जो संज्ञाएं हैं इनका भी बहुवचन नहीं होता है। अब आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक शब्द का तिर्यक बहुवचन हो जाता है, उसमें ओ की मात्रा लगा दी जाती है। आप अगर पहचान करिए कि किसका एक वचन से बहुवचन होता है किसका नहीं होता है, तो कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूं जिनका एक से बहुवचन नहीं होता है। जैसे डाकू का बहुवचन नहीं होता, चाकू का बहुवचन नहीं होता, भालू का बहुवचन नहीं होता, उल्लू का बहुवचन नहीं होता। इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनका एक वचन से बहुवचन नहीं होता है। अब इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, दर्शन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन ही नहीं बनता है। तो मित्रों, अगर एक वचन से बहुवचन को पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, मैं बताता हूं। जिन शब्दों में ओ की मात्रा लगा दी जाती है उसका बहुवचन, अगर आप ओ की मात्रा लगाकर बनाते हैं तो नहीं बनता है। अगर किसी में ए की मात्रा आप यहां जोड़कर, चंद्र बिंदी जोड़कर, ए की मात्रा जोड़कर बनाते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे शब्द हमने रखा घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़े, लेकिन इसका भी घोड़ों हो सकता है, ठीक। माता, माता का बहुवचन माताएं और माताओं। कुछ शब्द का बहुवचन नहीं बनता, जैसे अगर हम कहें डाकू,
तो डाकू में एक ही मात्रा लगाकर, यहां लगाकर, चंद्रबिंदी लगाकर आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं, इसलिए डाकू का बहुवचन नहीं होता है। डाकू का बहुवचन डाकुओं हो सकता है, लेकिन जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तभी डाकुओं इसका बहुवचन होगा, इसलिए इसको तिरेक बहुवचन या तो विभक्ति वाला बहुवचन कहा जाता है और यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं होता है। तो डाकू का बहुवचन नहीं होता है, डाकुओं केवल हम वाक्य में इसको लिख सकते हैं। तो जिसमें ओ की मात्रा लगाकर आप बहुवचन बनाएंगे तो वो बहुवचन नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन। अब चलिए अगला चैप्टर देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अव्यय उपसर्ग प्रत्यय। अब भैया बहुत ज्यादा है यार, कितना पढ़ाए थक गए, चलिए फिर भी प्रयास करते हैं। कारक, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो कारकों की संख्या हिंदी में होती है 8। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में संप्रदान, संप्रदान का मतलब होता है चतुर्थी, अपादान का मतलब होता है अलग होने के अर्थ में संबोधन, काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण पे में पर्या ऊपर, संबोधन हे अरे ओह। अब कुछ कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीजें बता देते हैं। जैसे राधा मुझसे रूठ गई, अगर किसी से कोई रूठ कर अलग हो रहा है तो वहां अपादान कारक होगा। बच्चा चोर से डरता है तो जो डरने का भाव भी होता है तब भी वहां पर अपादान कारक होता है, जहां पर डरने का भाव हो वहां पर भी अपादान कारक होता है। कारक को परसर्ग भी कहते हैं और इसके चिन्ह को विभक्त चिन्ह या परसर्ग चिन्ह या कारक का चिन्ह भी कहते हैं। फिर उसके बाद अगर कह दें कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो पर या ऊपर, क्रिया जहां पर घटित होती है, क्रिया पर जहां होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को अधिकरण कहते हैं। तो ये हो गया अधिकरण कारक। फिर आपसे पूछेगा कहीं कोई वस्तु किसी को दान में दी जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। पिताजी बच्चों को मिठाई देते हैं तो इसका चिन्ह होता है को के लिए। फिर संबंध, यह मेरे पिता की गाय है तो जहां पर काकी के नानी ने रारी रे आ जाए वहां संबंध कारक होता है। फिर उसके बाद अगर आपका साधकतम करणम, अगर किसी वस्तु के द्वारा क्रिया में सहायता की जाए, जैसे मैं लिखने का काम करता हूं, लिखने के कार्य के लिए कौन सहायता करता है? कलम सहायता करती है, तो कलम क्या हो जाएगा? साधन हो जाएगा, साधकतम करणम। कलम क्या हो गया? एक प्रकार का साधन हो गया। तो जहां पर क्रिया की सहायता के लिए जिसकी सहायता ली जाए, जिस साधन का प्रयोग किया जाए, वहां करण कारक होता है। जैसे किसान खेत जोतता है तो हल से जोतता है, आप लिखते हैं तो कलम से लिखते हैं, तो कलम क्या हो गया? एक साधन हो गया। तो ये हो गया आपका करण कारक। फिर उसके बाद आता है कर्म कारक। कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे अधिक जिसको पसंद करता है, राम आम खाता है तो राम आम खाने के द्वारा, राम खाने की क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको पसंद कर रहा है? आम को, इसलिए आम क्या हो गया? कर्म कारक। पहला चिन्ह होता है कर्ता ने, उसका कर्ता कारक चिन्ह है, तो कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो भूत काल में ही प्रयोग होता है, वर्तमान और भविष्य में नहीं होता है। जैसे मैंने कहता हूं, गलत है क्योंकि यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए इसमें ने का प्रयोग नहीं होगा। मैंने कहूंगा, अब यह भी सही नहीं है क्योंकि यह भी भविष्य काल का वाक्य है। मैंने कहा था, मैंने कहा था, ये भूत का वाक्य है, इसलिए यहां पर ने का प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहां पर सर्वनाम के साथ ने आएगा तो उसको जोड़ कर रखेंगे और संज्ञा के साथ आएगा तो अलग करेंगे। जैसे राम ने, हम ऐसा नहीं लिख सकते, कैसा लिखना पड़ेगा? राम ने, यह आपका सही है। ठीक, तो ये तो हो गई आपसे कारक की बातचीत। अब अगला चैप्टर देखते हैं कि कौन सा है। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं? तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आप सब कमेंट करके बताइए कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं। बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक को हम कितने भागों में बांट देते हैं? एक तो बांट देते हैं उत्तम, दूसरे को
मध्यम और तीसरे को अन्य। हर व्यक्ति स्वयं को उत्तम मानता है, मतलब मैं और हम जो हो गया वो उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम मतलब सामने वाले को व्यक्ति क्या मानता है, मध्यम मानता है, मतलब तू और तुम। मतलब कर्ता मतलब वक्ता, जो बोलने वाला व्यक्ति है सदैव उत्तम होता है। सुनने वाला मतलब तू और तुम मध्यम होता है, और जो वहां पर उपस्थित नहीं होता अन्य होता है, वो अन्य पुरुष में होता है। तो ये तो हो गया आपका सर्वनाम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसमें हम लोग देखे कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। फिर इसके बाद देखिए, सर्वनाम आपके यहां बहुत पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खंड भी है। सर्वनाम कुल कितने होते हैं पूछा जाता है, तो उसके बाद आता है कुल। देखिए सर्वनाम के जो भाग हैं वो कितने हैं, 6 हैं, और सर्वनाम के उपभेद कितने हैं, 11 हैं। तो सर्वनाम के भाग 6 और उपभेद या उपभेद कितने हैं, तो इसके 11 हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम आता है, यह और वह उसमें आ जाता है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है, कोई और कुछ आ जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है, जिसमें प्रश्नवाचक में हम किसको रखते हैं, प्रश्नवाचक में कौन और क्या रखते हैं, प्रश्नवाचक में कौन और क्या रखते हैं। और फिर इसके बाद आता है संबंधवाचक, जो और सो रखते हैं। और सबसे अंत में आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें आप क्या रखते हैं, खुद रखते हैं, आप ही आप रखते हैं। ठीक है, आप ही आप। लेकिन यहां पर एक चीज जानने वाली है, अगर आप शब्द का प्रयोग तुम के लिए हो, मतलब आदर के लिए अगर तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाए, तो आप क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे आप आ जाइए, तो मतलब यहां पर आप क्या है, मध्यम पुरुष। लेकिन यहां कहा जाए कि मैं आप ही आप दौड़ सकता हूं, मैं अपने आप खा सकता हूं, यहां पर आप जो आया है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में आया है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम करते हैं, संज्ञा के प्रतिनिधि शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। तो ये हो गया सर्वनाम। विशेषण, क्रिया विशेषण भी होता है, प्रविशेषण भी होता है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेषण होते कितने प्रकार के हैं, तो चलिए आज आपको बता देता हूं। गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक। गुण, परिमाण, संख्या और सार्वनामिक। गुणवाचक, जैसे यह व्हाइट बोर्ड टिकाऊ है, यह मौसमी है, मौसमी आम अच्छे होते हैं, तो ये सब गुणवाचक में आ जाएंगे। परिमाण मतलब नाप तोल की इकाई में, 1 किलो चावल, 2 लीटर दूध, 1 गज मलमल, ये सब परिमाणवाचक में आ जाएंगे। संख्यावाचक में 1 रोटी, 2 पेन, 1 दर्जन केला, जिसमें संख्याएं हैं वह संख्यावाची विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण, यह वही लड़का है जो कल चोरी किया था, तो यह जो है यहां पर सार्वनामिक विशेषण के स्थान पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका जो सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यहां पर विशेषण और विशेष से आपसे पूछा जाता है, जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है, विशेषण है, और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। ठीक है, अब जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत काला घोड़ा, तो बहुत काला घोड़ा, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बतलाए उसको क्रिया विशेषण। जैसे राधा बहुत तेज बोलती है, तो यहां तेज राधा की विशेषता नहीं बतला रहा है, यहां तेज बोलने की विशेषता बतला रहा है। किसकी विशेषता बतला रहा है, बोलने की विशेषता बतला रहा है। बोलना क्या है, क्रिया है, तो राधा बहुत तेज बोलती है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तेज क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बतलाने वाला क्रिया विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, थके तो नहीं आप सब।
मैं ही थक गया हूं इसीलिए बार बार आप सबसे पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं। हाँ मित्रों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो एक ही काम करना है। काम कौन सा? हमारा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे यूपीएसआई एंट्री लिखकर भेज देना है। नंबर आपके पास में भेज रहा हूं, 73 98 03 57 75, मतलब 37 73 98 03 5775, 73 98 03 57 75। ये हमारा यूपीएसआई का नंबर है, इसमें यूपीएसआई एंट्री लिखकर भेज देना है। ठीक है, चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो। अब चलिए अगली बात देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहां पर विशेषण के बाद क्रिया है। आपके यहां क्रिया के केवल दो चीजें पूछी जाएंगी, एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के पहले कौन और क्या का प्रयोग हम सब कर देते हैं। अगर हमने कौन का प्रयोग कर दिया, मान लीजिए जैसे उड़ना क्रिया है, उड़ना क्रिया में हमने कौन और क्या का प्रयोग किया और जो भी जवाब मिला उसको हमने इसके सामने लिख दिया अपने मन से। कौन उड़ता है, मैंने लिखा कि चिड़िया। आप घोड़ा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, चिड़िया। क्या उड़ता है? चिड़िया। एक हमारा वाक्य इसको बना लीजिए, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। अब बताइए इस वाक्य में चिड़िया क्या हो गई? चिड़िया कर्ता, उड़ना क्रिया। क्या इसमें कर्म मिला जवाब में? नहीं मिला। तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं मिलता है उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात उड़ना किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। यहां पर हम पढ़ना लिख दें, नहीं लिख देते हैं खाना, थोड़ा सरल हो जाएगा खाना। पीना लिख दें और सरल हो जाएगा पीना। अब पीना हमने लिख दिया, यहां पर कौन और क्या हमने लिख दिया, कौन और क्या, कौन और क्या हमने लिखा। कौन पीता है? तो मैंने लिखा राधा, कोई भी लिख सकते हैं आप राधा। क्या पीती है? आपने दूध लिख दिया, राधा दूध पीती है। जवाब में हमको दूध भी मिला, आप यहां कुछ भी लिख सकते हैं, दूध पीती है, दही पीती है, कुछ भी पीती है। तो राधा दूध पीती है, तो राधा कौन हो गई? कर्ता। पीना क्रिया, दूध क्या हो गया? कर्म। अर्थात पीना कर्ता के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। तो जिसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़े वो सकर्मक, और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता ना पड़े उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? चलिए दारोगा जी आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है महत्वपूर्ण काल है। काल कितने प्रकार के होते हैं? भूत भविष्य और वर्तमान। भूत काल के कितने भेद होते हैं, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल, वर्तमान काल के आपके यहां 5 भेद होते हैं, भूत काल के सबसे अधिक 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इन भेदों को हमको अलग अलग करके पढ़ना होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इनकी चर्चा नहीं की जा सकती है। वाच्य, वाच्य क्या है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो वहां पर कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वहां पर कर्मवाच्य, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता, मतलब क्रिया की प्रधानता हो, वहां पर कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य। तो कर्ता की प्रधानता पर क्या होगा? कर्तृवाच्य। कर्म की प्रधानता पर क्या होगा? कर्मवाच्य। और क्रिया की प्रधानता पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। तो इस प्रकार अगर हम टोटली जोड़ के देखें वाक्यों को, जैसे राम खाता है, राम खाता है। अब यहां पर राम खाता है किसकी प्रधानता है? राम की। या राम आम खाता है, हमने लिख दिया राम आम खाता है, किसकी प्रधानता है? राम की। अगर राम को हम हटा के लिख दें आम खाया जाता है, तो आम क्या है? कर्म है।
अर्थात यहां कर्म की प्रधानता हो गई और यह कर्मवाच्य हो गया। तो हिंदी के वाक्यों में कर्ता को जब हम हटा देते हैं तो वाक्य वो कर्मवाच्य का हो जाता है, या तो इसमें हम द्वारा लगा दें, राम के द्वारा आम खाया जाता है या आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो आप चाहे तो इस कर्ता को हटा देंगे तब भी कर्मवाच्य हो जाएगा, द्वारा भी लगा देंगे तब भी वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और भाववाच्य जहां पर आप क्रिया को करने कर सकने या न कर सकने का बोध करें, जैसे मैं दौड़ सकता हूं तो दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो दौड़ सकने का भाव है, इसलिए यहां पर भाववाच्य। मैं खा सकता हूं, अब मैं चल नहीं सकता, तुम बैठ सकते हो, आओ अब चला जाए, जहां पर क्रिया के होने या न हो सकने का भाव हमको समझ में आए वहां पर कौन से होता है, भाववाच्य होता है। अव्यय बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अव्यय किसे कहते हैं, जिसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब देखते हैं कि अव्यय आपके यहां कौन कौन से हैं और जो हमको पढ़ना है। सबसे पहला हमारा अव्यय हो जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता को बतलाने वाले अव्यय। जैसे मैंने बताया था धीरे, राम धीरे बोलता है, तो धीरे क्या है, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये प्रमुख अव्यय हैं चार प्रकार के, लेकिन एक पांचवें प्रकार का भी अव्यय आता है जिसको हम निपात कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं, जिनके ऊपर क्या हो, लिंग वचन और कारक का प्रभाव न पड़े, लिंग वचन और कारक, ऐसे शब्द जिनके ऊपर मतलब उनका लिंग परिवर्तन भी आप न कर सकें, जिनके वचन में भी आप परिवर्तन न कर सकें और जिनके कारक में भी परिवर्तन आप न कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अव्यय कहते हैं, अर्थात उनका खर्च नहीं हो सकता है। जैसे मैं अगर कह दूं कि सहसा, सहसा शब्द का आप लिंग बदलिए नहीं बदल पाएंगे, वचन बदलिए नहीं बदल पाएंगे, कारक बदलिए नहीं बदल पाएंगे। अगर मैं कह दूं कि कम शब्द, एक शब्द है कम, कम शब्द का लिंग बदलिए वचन बदलिए कारक बदलिए, आप नहीं बदल पाएंगे, अर्थात लिंग वचन कारक जिसका परिवर्तित नहीं होता है वो अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय कौन से हैं, क्रिया विशेषण, जैसे धीरे धीरे, सहसा, एकाएक, ये सब क्रिया विशेषण हो गया। संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से हो गए, संबंध बोधक अव्यय का मतलब हो गया मेरे घर के सामने उसका घर है, किसका घर, अरे भैया सांसद जी का घर, तो हमारे घर के सामने सांसद जी का घर है, तो संबंध काकी के नानी ने रारी रे त्या दिया गया। समुच्चय मतलब जो जोड़ने का काम करे, एक दूसरे को जोड़कर बांधने का काम करे, उसको क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। और समुच्चय बोधक में हम किसको रख लेंगे, जैसे अतः, इसलिए, या, वा, और, मैं पढ़ाता हूं इसलिए आप लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय का प्रयोग किया गया, इसलिए तथा, या, वा, एवं, और, ये सब क्या हो गया, समुच्चय। विस्मयादि बोधक, आश्चर्य उत्पन्न करने के लिए, आपने कहा भैया अरे तिवारी जी का लड़का था ना मुन्नू, मुन्नू, हाँ हाँ भाई, अरे वो UPSI हो गया, दारोगा हो गया, कहे अरे, अब जो आपने कहा अरे ये क्या है, विस्मय है, आश्चर्य है, और इसके बाद एक विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। या तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो या आपको बहुत ज्यादा गम हो, दोनों में जो ये शब्द निकलते हैं ये विस्मयादि बोधक होते हैं। और इसके बाद आता है निपात, किसी भी शब्द को और वजनदार बनाने के लिए, किसी शब्द पर विशेष फोकस करने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो, वह जाता तो है, मैं भी तो जाता हूं, वह खाता तो है, यह ही आएगा, तो भी ही, क्या कर रहे हैं, शब्दों का वजन बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, इसको इनको क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए बढ़िया। अब निपात तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब अगला चैप्टर देखते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं,
किसी भी शब्द के पहले लगते हैं। कहां लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। जैसे हम लिख दें प्रत्येक, तो प्रत्येक में क्या है? प्रति धन एक बराबर प्रत्येक। अब देखिए उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उपसर्ग जो होते हैं हिंदी में, 10 उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग, तो 22 और 10 उपसर्ग हैं। ये क्या करते हैं? इनका कोई अर्थ नहीं होता, यह भी अव्यय होते हैं, ये जिस शब्द के साथ लगते हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं। तो उसके बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वो होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार का होता है, एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। पहले प्रकार का प्रत्यय कृत और दूसरे प्रकार का तद्धित। अगर कोई क्रिया है, क्रिया के बाद अगर कोई शब्द जुड़कर एक शब्द बना देता है तो वो वाला शब्द क्या कहलाएगा? वो प्रत्यय क्या कहलाएगा? कृत। अगर कोई संज्ञा है और उस संज्ञा के बाद अगर कोई भी प्रत्यय लगता है तो तद्धित कहलाता है। मतलब कृत और तद्धित प्रत्यय की हम पहचान कैसे करेंगे? हम उस मूल शब्द को खोजेंगे, यदि वह मूल शब्द क्रिया होगा तो कृत प्रत्यय, अगर मूल शब्द आपका संज्ञा होगा तो तद्धित प्रत्यय। जैसे हम कुछ प्रत्ययों की आपको दिखाते हैं, जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में आई प्रत्यय है और पढ़ना क्या है? क्रिया है, तो पढ़ना क्रिया है, इसका मतलब ये आई किस प्रकार का प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय। अगर कोई क्रिया के बाद प्रत्यय लगा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अगर किसी क्रिया के बाद कोई प्रत्यय लगता है तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। यदि अगर संज्ञा के बाद कोई प्रत्यय लग जाए, जैसे अगर हम कह दें लकड़हारा, क्या कह दें? लकड़हारा। अब यहां देखिए हारा प्रत्यय है और यहां लकड़ी शब्द है ना, तो लकड़ी शब्द में हारा जोड़ने पर लकड़हारा बना। तो लकड़ी क्या है? संज्ञा है। लकड़ी संज्ञा में हारा प्रत्यय जोड़ने की वजह से तो हारा किस प्रकार का प्रत्यय हो गया? तद्धित प्रत्यय हो गया। तो अगर संज्ञा सर्वनाम के बाद कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाता है तो उसको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और यदि हमारी क्रिया के बाद कोई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहेंगे। तो ये कृत और तद्धित प्रत्यय हो गया, दो प्रकार के प्रत्यय आपके यहां यूपीएसआई में पढ़ने हैं। चलिए संधि। संधि जो है आपके यहां, मैं बता दूं कि केवल स्वर संधि आपको अच्छे से पढ़नी है, बाकी तो आपके यहां तीन तरह की संधियां हैं, एक स्वर, एक व्यंजन और तीसरी क्या हो गई? विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि में आपको 5 संधियां पढ़नी है। कौन कौन सी? 5 संधियां। अब देख लेते हैं वो कौन कौन सी 5 संधियां हैं। सबसे पहली संधि होती है स्वर संधि। अगर किसी भी शब्द के मध्य में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की मात्रा दिख जाए तो आप समझिए कि दीर्घ स्वर संधि है। जैसे हम कह दें विद्यालय, विद्यालय देखा बड़ा की मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि। यहीं से इसके दो भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। जैसे भूर्जा, तो भूर्जा में देखिए शब्द के मध्य में बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, यहीं से दो भाग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? भू धन ऊर्जा, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि। तो जहां भी शब्द के मध्य में ये सब दिखाई दे, जैसे आपसे हम कह दें कि जो है छात्रावास, तो छात्रावास में यहां पर भी बड़ा की मात्रा बीच में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो बड़ाया, बड़ी, बड़ा उ और री की मात्रा दिखाई दे तो आप तुरंत समझिए कि वो दीर्घ स्वर संधि है। दूसरी संधि हमारी जो है उसको हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि। अगर हर्ष ई, ए, ओ, अर और अल आ जाए, किसी भी शब्द के मध्य में अगर ए, ओ और अल आ जाए तो उसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। जैसे राकेश, तो राकेश में ए की मात्रा आई है, इसका मतलब ये गुण संधि है। जैसे हम कह दें उमेश, यहां पर भी ए की मात्रा आई है, इसका मतलब ये कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। जहां पर भी ओ की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा अगर आपके कहीं भी दिखाई देती है तो ओ की मात्रा आने पर भी कौन सी संधि होगी? ओ की मात्रा होने के वजह से यहां पर आपकी गुण संधि हो जाएगी।
अर आ जाए। अब आप कहेंगे कि सर अर कैसे आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि अर कैसे आता है। चलिए, जैसे आप लिख लीजिए रोगोपचार, रोगोपचार, यहां देखिए ओ की मात्रा शब्द के मध्य में आई है, इसको क्या लिखेंगे, रोगधन उपचार। तो ये है आपकी गुण संधि, ए ओ और अल किसी भी शब्द के मध्य में आ जाए तब वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। अब आप कहेंगे कि सर आप जो अल हमको दिखाइए कि अल आए या अर दिखाइए, तो जैसे राजर्षि, राजर्षि, तो राजर्षि में अगर हम संधि विच्छेद करें राजर्षि, क्या करेंगे, राज धन ऋषि। अर कहां आया, जा में आ है और यहां ये रा है, राजर्षि का अगर हम वर्ण विन्यास कर दें तो क्या होगा, र आ ज र, फिर उसके बाद कौन सी ई होगी, छोटी, फिर उसके बाद स, अच्छा एक मिनट, राजर्षि ऐसे लिखते हैं, तो रा के बाद फिर बड़ाया है, फिर ज है, फिर र है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, स है, और फिर उसके बाद क्या है, छोटी ई है। तो जितने भी व्यंजन उसके नीचे हलंत है, ये हो गया आपका राजर्षि, और इस जा के बाद भी क्या है, आ है, ये वर्ण विन्यास हो गया। तो यहां देखिए, यहां पर आ और यहां पर रा, क्या हो गया, अर हो गया, मिला कि नहीं अर आपको। तो यही मैं अर कह रहा था, किसी भी शब्द के मध्य में ए ओ अर अल मिल जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। फिर किसी भी शब्द के मध्य में या व र ल आए और उसके पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होती है। कोई भी शब्द हो या व र ल हो, उसके पहले अगर आधा अक्षर आ जाए तो यण संधि होगी। जैसे अगर हम कह दें प्रत्येक, प्रत्येक हमने किया, यहां पर यह है, उसके पहले आधा अक्षर है, इसका मतलब ये यण संधि हो गई, विच्छेद हो जाएगा प्रतिधन एक, ठीक। फिर इसके बाद आपकी आती है वृद्धि संधि। अगर किसी भी शब्द के ऊपर इस तरीके से दो मात्राएं लगी रहें, ऐसे या ऐसे, तो तुरंत उसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। किसी भी शब्द के मध्य में ए और ओ की मात्रा लगी रहे तो तुरंत आप कहेंगे कि कौन सी संधि है, वहां पर वृद्धि संधि है। तो चलिए वृद्धि संधि देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहां पर आप वृद्धि संधि का उदाहरण देखें, एक एक, तो एक एक देखिए यहां पर ए की मात्रा लगी है, उसका मतलब वृद्धि संधि हो गया। फिर अयादि संधि है, अयादि संधि में आय, आय, आव, आव अगर दिख जाए तो अयादि संधि होगा। जैसे पावक, तो पावक में आव आ गया, नाविक, भावुक, इन सब में अयादि स्वर संधि हो गई, ठीक। अब देखिए जो व्यंजन संधि है वो थोड़ा सा लंबा है, विसर्ग संधि भी लंबा है, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन बहुत ट्रिकी माध्यम से बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है, और आपके यहाँ जो संधि पूछी जाएगी वो केवल स्वर संधि भी आपके यहाँ पूछी जाएगी, भले आपके पाठ्यक्रम में तीनों है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, प्रत्यय संधि समास, समास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे मैं रख दूं अत द्वब, ये हमारा कोड वर्ड है, अगर इतना किसी को याद हो जाए तो उसको पूरा समास याद हो जाएगा। आ से क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, द्वा से द्वंद्व, अब्बा से बहुव्रीही, बहुव्रीही, समझ रहे हैं, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, दा से द्वंद्व, बा से बहुव्रीही समास होता है। अब इसका भेद कर लें, तत्पुरुष का एक भेद है कर्मधारय, कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद है जिसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अव्ययी भाव सबसे पहले आया है इसलिए इसमें प्रथम पद प्रधान होता है,
तत्पुरुष दूसरे स्थान पे आया है इसलिए इसका दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद में दोनों पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक, तत्पुरुष का ही एक भेद कर्मधारय है इसलिए इसमें क्या प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है और द्विग में भी द्वितीय पद प्रधान होता है। चलिए एक एक देख लेते हैं। किसी भी शब्द में अगर कोई अव्यय और उपसर्ग पहले लगा है तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, तो प्रति उपसर्ग है इसलिए प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, और जैसे यथा क्रम, भर पेट, इन सब में क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अगर एक ही शब्द को दोहरा दिया जाए तब भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे आप कह दें कि पलपल, तो पलपल में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एक ही शब्द को द्विरुक्त कर दिया जाए, दो बार लिख दिया जाए, तो जैसे हाथों हाथ, यह भी इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगर कहीं पर किसी नदी का नाम हो और उसके पहले कोई संख्या लिखी हो तब भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे पंचगंगा, द्वयो यमुना, त्रयो सरस्वती, किसी भी नदी के सामने अगर कोई गिनती लिखी रहे तब वो अव्ययी भाव समास होता है। नदी भीष्ट सूत्र से अपवाद में आता है। फिर उसके बाद अगर हम तत्पुरुष समास देखें तो अगर आपको कारक पता है तो तत्पुरुष समास कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, को चिन्ह आया, मतलब तत्पुरुष समास हो गया। जैसे तत्पुरुष समास के और उदाहरण देखें, गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाली, मतलब इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया। पितृ गृह, पिता का घर, का गया, इसलिए भी यहाँ पर तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, गाय के लिए साला, इसलिए यहाँ भी तत्पुरुष समास हो गया। तो कहीं भी कारक दिखाई दे बीच में दोनों शब्दों को अलग करने पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए तीन गुना, तो तीन गुना में तीन से गुना, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इलाहाबाद, इलाही का आबाद या इलाही के द्वारा बसाया गया आबाद, इसलिए तत्पुरुष समास हो गया। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, अर्थात तत्पुरुष समास हो गया। ठीक, तो ये तत्पुरुष समास के भेद हो गए। हैदराबाद, हैदर के द्वारा बसाया गया आबाद, अर्थात तत्पुरुष समास हो गया। फिर इसके बाद आता है कर्मधारय, जिसमें विशेषण विशेष से संबंध हो, उपमेय उपमान संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे हम कह दें पीतांबर, तो पीतांबर में कर्मधारय समास हो गया, इसमें बहुव्रीहि भी होता है। कर्मधारय में अगर दोनों तरफ, जैसे नील कमल, इसमें भी कर्मधारय समास हो गया, नील कंठ में भी कर्मधारय समास हो गया, नील गाय में भी कर्मधारय समास हो गया, अगर दोनों तरफ विशेषण आए, जैसे ठंडा गरम, शीतोष्ण, तो आप कहेंगे सर इसमें द्वंद समास भी होता है। तो एक ही शब्द में कई समास हो सकते हैं, तो शीतोष्ण में, ठंडा गरम में, इन दोनों में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है द्विगु समास। किसी भी संख्या के बाद में अगर कोई समाहार का बोध कराने वाला, संयोग का बोध कराने वाला शब्द आता है तो वहां पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे अगर हम कह दें कि भैया पंचवटी, तो पांच वटों का समूह, पंचगव्य, पांच गव्यों का समूह, सप्त ऋषि, सात ऋषुओं का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, चवन्नी, चार आनों का समूह, द्विअन्नी, दो पट्टा, चौलड़, तो ये जो हमारे शब्द आ जाते हैं वो द्विगु समास में आ जाते हैं। द्वंद समास में एक दूसरे के विलोम शब्द आते हैं, जैसे ठंडा गर्म और शीतोष्ण, तो ठंडा गर्म और कर्मधारय भी है और द्वंद भी है। अभी बताऊंगा कि कैसे आप इसको करेंगे। बहुव्रीहि समास में जिसमें तीसरा कोई अर्थ प्रधान हो जाए, रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक शब्द जितने भी आ जाते हैं वो बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। जो कोई तीसरा अर्थ प्रदान करे, जैसे लंबोदर हो गया, तो लंबोदर, भले आपके यहाँ के हलवाई का पेट बहुत लंबा है लेकिन लंबोदर का मतलब केवल गणेश। फिर दशानन, ये बहुव्रीहि समास हो गया। पीतांबर में भी बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से हम समास को भी पढ़ सकते हैं। और एक तत्पुरुष का ही भेद है, नई तत्पुरुष समास, जिसमें आ और अन लगाया जाता है, उसको नई समास कहते हैं। जैसे अनबन हो गया ना, जिसमें अन लगा दिया जाता है, नाहक हो गया, बेमन हो गया इत्यादि। अब बता दूं कि कैसे आपको चुनना है। जैसे कोई भी समास हो तो सबसे पहले आप
क्रम से वरीयता देंगे। पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास है, नहीं है। फिर देखेंगे तत्पुरुष है, नहीं है। फिर देखेंगे द्वंद है, नहीं है। फिर देखेंगे बहुव्रीहि है, नहीं है। फिर देखेंगे कर्मधार है, फिर देखेंगे द्विगु। तो मतलब अगर हम शीतोष्ण देखें, शीतोष्ण, तो शीतोष्ण में अगर हम देखें तो अगर इसके बीच में हाइफन नहीं दिया है, अगर बीच में स्पेस नहीं दिया है तो वो कर्मधार हो सकता है, लेकिन हाइफन दे दिया गया है तो पहले क्या होगा, वो द्वंद होगा। ठंडा गर्म पहले द्वंद होगा। अगर ऑप्शन में द्वंद दिया है और कर्मधारे दिया है दोनों, तो हम द्वंद को लगाएंगे, और कर्मधारे नहीं दिया है तो द्वंद को लगाएंगे, और द्वंद कर्मधारे दोनों दिया है तब भी द्वंद को देंगे, और द्वंद नहीं लिखा है तब लास्ट में हम कर्मधारे को देंगे। तो कुल मिलाकर मान लीजिए कि पांच छह बड़े भाई हैं, मूल समास चार, कुल समासों की संख्या छह, तो मान लीजिए सब बड़े भाई हैं, तो बड़े भाइयों में जो सबसे पहला बड़ा भाई आए उसी को हम वरीयता देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका समास। अब इसके बाद देखिए विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह बहुत सरल है, कौन से विराम चिन्ह कहां आते हैं आप लोग ज्यादातर जानते ही होंगे। मुहावरे में लोकोक्तियां आपने से पढ़ना है, रस छंद अलंकार ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है रस। रस के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन सा होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, अब देखिए यहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और एक और भाव आता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्थाई भाव कहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, उन्होंने रसों की संख्या मानी है आठ। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है और नौवें रस के रूप में शांत रस को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार से रसों की संख्या कितनी होती है, रसों की संख्या कुल होती है नौ, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, आठ होती है। और रस के अवयव कौन कौन से होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रस के चार होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ठीक है, तो इन चारे अवयवों को आप याद रखेंगे। अस्थाई भाव प्रत्येक के कौन कौन से होते हैं वो आपको बहुत सारे लोगों को याद भी होंगे, याद कर लीजिएगा। विभाव का मतलब क्या होता है, विशिष्ट भाव उत्पन्न करने वाले शब्द क्या होते हैं, विभाव कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन का मतलब आधार और उद्दीपन का मतलब जो जलाने के काम में आए। जैसे सीता राम को देखकर अनुरक्त हुई, अनुरक्त हुई या उनके अंदर रति भाव जाएगा। तो यहां आश्रय और आलंबन कौन है, आश्रय यहां पर कौन है और आलंबन कौन है। तो आलंब का मतलब होता है आधार, कौन आधार है यहां पर, राम है, और आलंब कौन है, सीता है। तो ये आश्रय और आलंबन हो गया। दूसरा इसमें जो पूछता है उद्दीपन, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रस होता है लेकिन वो किसी न किसी कारण से उसको और जला दिया जाए। जैसे आप कोई प्रेमी प्रेमिका हैं, मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, बारिश का मौसम है, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, गुलाब के फूल खिले हुए, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, हाथ में हाथ डाले हैं, हाँ, उसके बाद आपके अंदर रति भाव आएगा। ऐसा थोड़ी आएगा कि आप कहेंगे कि अरे बेटा अपनी नाक पोंछ रहे हो, तुम्हारी नाक बह रही है, ऐसा तो कहेंगे नहीं। रति आएगा, प्रेम का भाव आएगा। तो जहां पर कंडीशन की वजह से, अब देखिए चांदनी रात है तो स्वाभाविक है रति आपके अंदर उत्पन्न होगी। अब मान लीजिए कहीं पर जो है एक कुत्ता मरा पड़ा है, उसकी आंख कौवे नोच रहे हैं, जीभ उसका स्यार खींच रहे हैं, आधी पूंछ इधर कटी हुई है, आधा उसका जबड़ा वहां पड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कीड़े उसके बुलबुला रहे हैं। तो ऐसा भाव देखकर आपके अंदर विभत्स भाव आएगा और आपका जो विभत्स भाव और उद्दीप्त हो जाएगा। उद्दीप्त का मतलब जला देना। जैसे मान लीजिए एक लड़की होती है जिसकी विदाई होती है, विदाई के समय सभी लड़कियां रोती हैं, अब तो नहीं रोती हैं, अलग की बात है। तो मान लीजिए अब सब रो रहे हैं तो एक लड़की क्या करती है,
सबका रोना देखकर खुद भी रोने लगती है, क्योंकि वहां पर इस तरह से माहौल है कि उसके अंदर का जो शोक है वो और उद्दीप्त हो जाता है। तो जो आपके अंदर रस हैं उनको उद्दीप्त करने वाले जो कारक होते हैं वो उद्दीपन कहलाते हैं। तो ये हो गया आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। फिर इसके बाद आ जाते हैं अनुभाव। अनुभाव का मतलब है कि रस का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको सात्विक, और दूसरा आपके शरीर पर पड़ता है। तो मस्तिष्क पर आपके क्या प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर आपके प्रभाव क्या क्या पड़ता है उसको हम सात्विक में रखते हैं। जैसे स्तंभ हो गया, आप एकाएक खड़े हो जाएं, कंप हो गया, रुदन हो गया, आपके शरीर से पसीना बहना, वैवर्ण्य मतलब आपका रंग उड़ जाना, इत्यादि जो आपके शरीर पर अवस्थाएं पड़ती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सात्विक कहते हैं। और जो आपके कायिक होते हैं, जैसे गुस्से में गाली देने लगना, लड़ाई झगड़ा करना, नोचना खसोटना, ये सब क्या हो जाते हैं, कायिक हो जाते हैं। तो अनुभाव विभाव हो गए। संचारी भावों की संख्या 33 होती है और अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। तो ये हमारे हो गए। अब आपको नवो रसों को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, और क्लास में आप पढ़ना चाहें, हमसे सहायता लेना चाहें तब आप पढ़ सकते हैं। हमारा नंबर आप चाहें तो लिख लीजिए, नंबर हमारा है 7398035775। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रस छंद। अच्छा, छंद देख लेते हैं। छंद जो है वो कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो छंद में होता है लय, ताल, तुक, यति और गति। जिसमें होता है उसको हम छंद कहते हैं। जैसे या सृष्टि स्टास्टुराद्यावहति विधिहुतम् या वीर्या च होत्री ये द्वे कालम् विदित्ता श्रुति विजय गुणा या स्थितः व्याप्य विश्वम् या माहु सर्व बीज प्रकृतिरति ययः प्राणी अन्तः प्राण। अब यहां पर आप देखिए कि आप क्या करते हैं, ययः प्राणी अन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः वस्तुना विराष्टाभिरीशः। कोई भी आप मंत्र पढ़िए, कोई भी गाना गाइए, तो जो उतार चढ़ाव होता है उसी को हम छंद के अंतर्गत बांधते हैं। तो एक तो होता है लय। लय माने होता है कहने का ढंग, किस लय से आप कह रहे हैं, इनके बोलने का लय देखिए। तो लय होता है कहने का ढंग। ताल मतलब जो हारमोनियम और ढोलक बज रही उसके साथ साथ जो आप ताल से ताल मिला, तो लय ताल। तुक, तुक क्या होता है, तुक मतलब मिलाया जाता है। तुक क्या है, मिलाया जाता है। कैसे होता है, जो अंत में जैसे सोई और जोई, ये क्या है, तुक है, लय ताल तुक। यति, यति का मतलब होता है ठहराव। जब आप कोई कविता गाते हैं या पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, कि सांस से थोड़ी गाते हैं, जहां थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उसको यति कहते हैं। और गति का मतलब जो है आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जहां पर आपकी स्पीड बढ़ जाती है उसको गति कहते हैं। तो प्रत्येक छंद जो होते हैं उनमें चार चरण होते हैं, एक चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, एक दो तीन चार। अब जिसमें पहला और दूसरा और तीसरा चारों चरण आपस में समान होते हैं उसको हम समचरण कह, क्या उसको क्या कहते हैं, सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या, सममात्रिक। जिसमें आधे चरण समान हो, मतलब पहला तीसरा समान हो और दूसरा चौथा समान हो, उसको अर्ध सममात्रिक कहते हैं, अर्ध सममात्रिक। ठीक है, और जिसमें चारों चरण आपस में समान न हो उसको विषम मात्रिक कहते हैं, विषम मात्रिक छंद कहते हैं। तो सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक, इन तीन भागों में इनको हमने बांट दिया। अब जैसे दोहा है, दोहा किस प्रकार का छंद है, अर्ध सम मात्रिक है, क्योंकि उसमें 13, 11, 13, 11 मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं को आप गिनती कैसे करते हैं, एक तो गण होते हैं, तो गणों की संख्या कितनी होती है, 8। यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र से आप चाहें तो 8 गणों का निर्माण कर सकते हैं यमाता राजभान सलगा से।
अब देखिए कि यमाता राज भवन सलगा के बाद यगण मगण जगण तगण रगण सगण ये आपके गण हो जाते हैं। और मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं हम, जैसे आपका बड़ा है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, फिर इसके बाद अंग और अह, इनमें दो दो मात्राएं गिनी जाती है। कितनी? दो मात्राएं। जैसे री की मात्रा है, कोई संयुक्त अक्षर है, छ त्र ज्ञ, इन सब में री है, छ त्र ज्ञ है, इन सब में एक एक मात्रा गिनी जाती है। और जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, इसमें भी क्या किया जाता है, एक एक मात्राओं की गिनती की जाती है। अब अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे हमको लिखना है कमल, क्या लिखना है, कमल, तो कमल में अगर हम मात्राओं की गिनती करें, कमल, तो का में एक, मा में एक, ला में एक मात्रा होगी। जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय, तो छ में एक, त्र में छोटी की मात्रा है इसलिए एक, और या में एक, मतलब कुल मिलाकर तीन मात्राएं। तो इस प्रकार से हम मात्राओं की गणना छंद में करते हैं। आपके यहां बहुत ज्यादा छंद नहीं पूछा जाएगा, एक दोहा, एक सोरठा और एक जो पूछा जाएगा चौपाई, बस इन तीन छंदों में ही आपके यहां पूछ लिया जाएगा। अब इसके बाद अलंकार आता है। अलंकार, अलंकार आपके यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार में सारे अलंकार आपके यहां नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपके यहां एक तो श्लेष अलंकार पूछ लिया जाएगा, श्लेष, उपमा, रूपक, यमक, ये इतने, और उत्प्रेक्षा, इतने ही अलंकार आपके यहां पूछे जाएंगे। अगर हम देखें अनुप्रास अलंकार, पहला हम देख लें अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जो है इसमें क्या होता है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के पांच भेद भी हैं, लेकिन आपके यहां भेद नहीं पूछे जाएंगे। जैसे किंग कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, अब यहां का की आवृत्ति हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार। फिर जैसे पूछेगा आपसे कि बताइए पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत को का धन संचय, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रिज रिज रहसी रहसी, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। श्लेष में कोई भी एक शब्द के साथ अर्थ चिपका रहता है, क्या करता है, अर्थ चिपका रहता है। जैसे एक बहुत ही परंपरित उदाहरण आप सब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। अब इसमें देखिए ब्रह्मन पानी राखिए, पानी एक शब्द है, लेकिन मोती, मनुष्य और चूना, इन सब के लिए उसका अर्थ दिया गया है, मतलब पानी का ही अर्थ तीन रूपों में दिया गया है, ये श्लेष अलंकार हो गया। लेकिन अगर हम देखें यमक अलंकार को, तो यमक में एक शब्द जो है वो कई बार आता है, हर बार उसका अर्थ बदल जाता है, हर बार उसका अर्थ बदलेगा। जैसे सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, अब बताइए इसमें श्लेष होगा कि यमक, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, आपको बताना है कि इसमें यमक है या श्लेष है, कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं देखूंगा आपको समझ में आया कुछ कि नहीं आया। बहरहाल अब देखिए, अगर यमक अलंकार है तो यमक अलंकार में हमको सबसे ज्यादा क्या ध्यान में रखना होता है, यमक अलंकार में देखते हैं कि जो हमारा एक शब्द है वो कितनी बार आया है। जैसे कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहें कभी बेनी, एक बार कवि का नाम आया बेनी, और बेनी ब्याल की, ब्याल माने सर्प की चुराई लेनी, बेनी का मतलब चोटी, एक बार बेनी मतलब कवि का नाम, दूसरी बार बेनी मतलब किसी चोटी का नाम। यहां पर शब्दों का अर्थ हर बार बदल जा रहा है, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर भी क्या हो जाएगा,
बस आपका वही हो जाएगा, एक बार घटा और एक बार घटा, एक बादल एक बार घटे मतलब कम होना। तो ये कनक कनक के 100 गुनी आप तो विश्व जानते ही हैं, यमक अलंकार हो गया। यमक के बाद जो आपके यहां उपमा है, जहां पर किसी की तुलना की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है ना। जैसे मखमल के झूले पड़े और हाथी सा टीला, तो सासी ज्यों स्यों, जहां किसी की तुलना किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। लेकिन जहां पर इतना समीपता हो, इतना सादृश्यता हो, समान दिखें, जिसके कारण उसमें अंतर न समझ में आए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल, अब चरण सा कमल नहीं कह रहा है, चरण कमल में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए चरण कमल में कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा, जहां पर इतनी ज्यादा सादृश्यता हो कि किसी दूसरे चीज की आप कल्पना कर बैठे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखें कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कौन कौन से उदाहरण आपके यहां आ सकते हैं, तो एक बहुत ही परंपरित उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतपट और श्याम सलोने गात, और उनके साथ क्या है, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। कह रहे हैं कि आतप सूर्य की रोशनी पर्वत पर ऐसे पड़ रही है कि मानो मनु मानो जन जानो जानहू, ये सारे शब्द आ जाए तो तुरंत समझिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। मन मानहु जन जानहु इत्यादि कोई शब्द आए तो तुरंत समझिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यहां कल्पना, तो उपमा में तुलना, रूपक में आरोप और उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है। तो ये प्रमुख अलंकार हैं। बाकी आपके यहां अतिशयोक्ति अलंकार है, किसी चीज को जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। भ्रांतिमान अलंकार है, जहां पर किसी चीज की भ्रांति हो जाए। और संदेह अलंकार है, जहां पर आप कंफ्यूजन में बने रहें। तो इस तरह के कुछ अलंकार हैं जिनकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। और मित्रों, अपठित बोध तो अपने से ही पढ़ना है, प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचनाएं उनके प्रसिद्ध पुरस्कार। अब देखिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, चारों कालों में प्रत्येक कालों की रचनाएं आपसे पूछेगा। हिंदी का, हिंदी की प्रथम इतिहास पुस्तक किसने लिखा, मतलब हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दत्तौसी ने इस्तवाड़ दलालित्रित्र इंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रांस भाषा में लिखा गया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आप बताएंगे इंदुमती। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, आप बताएंगे परीक्षा गुरु। हिंदी की पहली जीवनी कौन सी लिखी गई है, फिर आपसे पूछेगा कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखा, अर्धकथानक। इस तरीके से हिंदी के रचना रचनाकार और पुरस्कार, कुछ चर्चित उपन्यास पूछे जा सकते हैं, जैसे मैला आंचल किसका है, फणीश्वरनाथ रेणु का है, गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद की रचना है, कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, रश्मिरथ किसकी रचना है, या आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, या आपसे पूछा जाएगा कि पंत की किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, महादेवी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, या आदि इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का है। आपसे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है, तो आप बताएंगे चंदबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि है, और उनकी प्रथम महाकाव्य, उनकी प्रथम महाकाव्यात्मक रचना है पृथ्वीराज रासो। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो हमारे पास 8 पेज का नोट्स है, ओनली 8 पेज का नोट्स है, जिसमें आपको प्रसिद्ध कवियों की रचना, हिंदी भाषा में पुरस्कार, और उसमें पत्र पत्रिकाएं, हिंदी के प्रथम पत्रिका कौन सी है, उदन मार्तंड है, हिंदी की हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, हंस के संपादक कौन है, राजेंद्र यादव है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आजकल के संपादक कौन है, फरहत परवीन है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, अखिलेश है, लखनऊ से प्रकाशित होती है। तो इस तरह से पत्र पत्रिकाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं।
विविध में आपसे और क्या पूछ सकता है, विविध में आपसे पूछ सकता है कि भैया आप बताइए कि महाकाव्य किसे कहते हैं, तो जिसमें कम से कम 7 खंड हो, जिसमें एक नायक और एक नायिका हो, एक अंगिरस हो, उसको क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। एकांकी किसे कहते हैं, जिसमें एक अंक होता है उसको एकांकी कहते हैं। हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुष किसका नाटक है, या पूछ लेंगे कि एक रिश्मिटाई किसकी एकांकी है, बादल की मृत्यु किसकी एकांकी है, एक घूंट किसकी रचना है, या झरना किसकी रचना है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और विविध में हिंदी के पुरस्कार, हिंदी दिनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी बोलियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, ये सब आपको रटे होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए। तो कितने नक्षत्र होते हैं, हिंदी नक्षत्रों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी विविध में पूछी जा सकती हैं। हिंदी गिनतियों को आप किस रूप में शब्दों में लिखते हैं, वह भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीजें आपकी विविध में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है मित्रों कि ये कक्षा पर्याप्त रही, आप सबको अच्छा लगा होगा। इतना देर पढ़ाते पढ़ाते आप लोग मेरा नाम भी भूल गए होंगे, तो मेरा नाम भी आप लोग जान लीजिए। मेरा नाम है अम्बरीश शुक्ल, AMBRISH SHUKLA। हिंदी आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मुझी से हिंदी पढ़ेंगे। आप अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रवेश लेने के लिए आपको एक नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, और नंबर बहुत आसान है, बहुत सरल है। देखिए कितना सरल है, नंबर नोट कर लीजिए, 73 98 03 57 और 75। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करिएगा। क्या करिएगा, व्हाट्सएप। और क्या व्हाट्सएप करना, UPSI लिखकर करिएगा। नंबर फिर से 73 98 03 57 और 75, लास्ट में लिखा है 7 और 5। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको मैं अपने प्रवेश, अपने बैच में प्रवेश दे दूंगा। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर मुझे रिस्पॉन्स करिएगा। जो प्रश्न आपके लिए छोड़ा उस प्रश्नों का जवाब भी दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी, इसी तरह की एक आध कक्षा में और लूंगा, जिसमें जो बची हुई चीजें उसको और डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लगभग ये 2 घंटे का वीडियो हो गया, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है, क्योंकि कुछ चीजों को मैंने जल्दबाजी में पढ़ाया है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहा है कि आपको पूरा कवरेज दे दिया जाए, पूरे पाठ्यक्रम पर एक हाईलाइट दे दिया जाए। हिंदी में मार्केट में कोई भी अच्छी किताब नहीं है जिसको आप पढ़ें। आप लूसेंट पढ़ते उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, आप नालंदा की कोई किताब पढ़ते उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन आप पढ़ते उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए ऑथेंटिक किताब पढ़ें, अच्छी किताब पढ़ें। यदि आप मेरे यहाँ प्रवेश लेते हैं तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं एक किताब के जैसे आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा याद कराऊंगा। और फिर से वही वादा दोहराता हूँ कि मित्रों बनना है UPSI तो टारगेट विद आलोक आइए, और हिंदी में 40-40 लाना है तो अम्बरीश शुक्ला के पास आइए। जी हाँ, मैं स्वयं भाई, अब यहाँ पर बच्चे तो है नहीं कि मेरा गुणगान करेंगे, मैं ही बता दे रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए इस कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा और उसी में से आएगा। यार पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा दूंगा तो देगा कहाँ से, वो क्वेश्चन 40 के 40 फंसेंगे और सबके उत्तर आप सब देंगे। बस इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबको नमस्कार, जय हिंद दारोगा बंधुओं, बहुत बहुत धन्यवाद।